That's right. If you aspire to appear for GATE, Navigate by Unacademy is just for you. It is the largest and the most competitive scholarship test for GATE aspirants. That's right. If you aspire to appear for GATE, Navigate by Unacademy is just for you. It is the largest and the most Hey guys, you're most welcome on Unacademy platform. My name is Lamina Seema. चलिए आइए स्टार्ट करते हैं आज के इस लाइव सेशन को. कल का सेशन हमारा बहुत ही बढ़िया गया. कोडिंग डिकोडिंग हम लोगों ने पूरा कवर कर लिया. आई होप आप लोगों को भी पूरा समझ आ गया होगा कोडिंग डिकोडिंग. आज हम लोग डिस्कस करेंगे एनालॉगी टेस्ट. ठीक है, तो आज ही खत्म हो जाएगा. मास्टर क्लासेस है, एक क्लास में एक चैप्टर पूरा हम लोग कंप्लीट करेंगे. और एनालॉगी टेस्ट बेसिकली है क्या, ये लाइक बड़ा इजी सा चैप्टर है. बस आपके पास कुछ इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए जनरल अवेयरनेस से रिलेटेड. ठीक है, जैसे ही आपके पास वो आ जाएगी पहले हम लोग उसको कवर करेंगे, देन आप एनालॉगी के क्वेश्चंस लगाने के लिए एलिजिबल हो जाओगे. तो सबसे पहले ये बता दो भाई, एम आई ऑडिबल और नॉट? वेरी गुड इवनिंग अनिल जय. स्टार्ट कर देते हैं फटाफट. लाइक अगर आप पहली बार देख रहे हो तो दिस इज माय नेम लामिया नसीम. और अनअकैडमी के प्लेटफॉर्म पर सोम, थर्मोडायनेमिक्स हो गई, फ्लूइड मैकेनिक्स हो गई, हाइड्रोलिक मशीन जैसे इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स मैंने कवर करे हैं, आप जाके फॉलो कर सकते हो. एंड दिस इज माई प्रोफाइल ऑन अनअकैडमी प्लेटफॉर्म, इसको जरूर फॉलो कर लेना. आज रात 8 बजे से इसके ऊपर टेस्ट सीरीज स्टार्ट होगी, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा. टेलीग्राम अभी तक ज्वाइन नहीं कराया अनअकैडमी का टेलीग्राम ग्रुप, जरूर ज्वाइन करो, इसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा. और अभी जो नेक्स्ट कॉम्बैट आपका होगा वो 23rd of May को होगा 11 बजे. ठीक है, तो रेडी रहना इसके लिए, कॉम्बैट में जरूर पार्टिसिपेट करा करो क्योंकि इससे आपका लाइक स्किल्स डेवलप होती हैं. और 5th of May से एक बैच ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है फॉर गेट 2022. इसको ज्वाइन नहीं करा है इसको फटाफट ज्वाइन कर लो. इसमें आप मेरा कोड यूज कर सकते हो लामिया10, तो आप बाकी एजुकेटर से पढ़ सकते हो, मुझसे भी पढ़ सकते हो. और लामिया10 कोड से आपको एक डेडिकेटेड डाउट सपोर्ट मिल जाएगा. आप अगर प्लस और आइकॉनिक दो बैचेस की तरफ जा सकते हो. अगर मैं प्लस की बात करूं, लाइव क्लासेस मिल जाती हैं, क्रैश कोर्सेज, वीकली टेस्ट, डाउट सॉल्विंग सेशन, इंग्लिश हिंदी और RIBA परफॉर्मेंस आप अपने चेक कर सकते हो. आइकॉनिक में पर्सनल कोच हो गया, स्टडी प्लानर, स्टडी बूस्टर सेशंस हो गए, प्रिपरेटरी स्टडी मटेरियल हो गया, ये सारी चीजें कंबाइन करी जाती है. तो जो आइकॉनिक कोर्स है ये थोड़ा पर्सनलाइज्ड है और थोड़ा सा एक्सपेंसिव भी है, प्लस आपका इतना पर्सनलाइज नहीं है, बट गुड कॉन्टेंट प्लस डेडिकेटेड डाउट सपोर्ट आपको प्लस में भी देखने को मिलेगा. इफ यू आर इंटरेस्टेड, अनअकैडमी की एप्लीकेशन इंस्टॉल करके आप जा सकते हो प्लस और आइकॉनिक पर. प्लस का कोर्स अगर आप लामिया10 कोड यूज करोगे तो अप्रोक्सीमेटली 27,000 का आपको पड़ेगा. और इसमें आप लाइक किसी भी तरीके से पेमेंट कर सकते हो, तो 10% का इंस्टेंट डिस्काउंट आपको इससे मिल जाएगा. आइकॉनिक का भी आप देख सकते हो, लाइक यहां पर प्राइसेस लिखे हुए हैं, 12 मंथ 66 पॉइंट समथिंग करके आपको पड़ेगा. देन आप इसमें भी 10% का ऑफ ले सकते हो बाय यूजिंग माय कोड लामिया10. इसी के साथ भाई, आज सब्सक्राइब करने से क्या फायदा है, अभी सब्सक्राइब करने से ये फायदा है कि अगर आप 12 एंड 24 मंथ का सब्सक्रिप्शन लेते हो तो इससे आपको 3 मंथ की एक्स्ट्रा वैलिडिटी मिल जाएगी. इसका मतलब है कि गेट तो आपका कंप्लीट हो जाएगा, फिर 3 मंथ जो आपके पास एक्स्ट्रा होंगे उसमें जो इंडिविजुअल PSUs के एग्जामिनेशन होते हैं, ISRO हो गया, BARC हो गया, उसकी भी आप प्रिपरेशन कर सकोगे क्योंकि यहां पर क्रैश कोर्सेज भी आपको मिल जाते हैं. तो आज ही जाइए सब्सक्राइब करिए, आज ही फर्स्ट डेट है और आज ही लास्ट डेट है, लाइक 19th of May के लिए ही ये ऑफर आपका वैलिड है. कल ये 3 मंथ वाला एक्स्ट्रा आपका हट जाएगा. इसी के साथ भाई, मास्टर ब्लास्टर सेशन आई होप आप सभी लोग फॉलो कर रहे होंगे. एप्लीकेशन पर लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, यहां पर 10,000 क्वेश्चंस कवर होंगे इंक्लूडिंग ऑल दी ब्रांचेस. तो ये आपको जरूर फॉलो करना चाहिए अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हो. किसकी प्रिपरेशन कर रहे हो आप? HAL एंड HPCL की. तो यहां पर ये अब काफी ज्यादा आपको हेल्प करेगा. नवी गेट होने वाला है 23rd of May को 11 AM पर. ये इंडिया का वन ऑफ द लार्जेस्ट स्कॉलरशिप टेस्ट होगा जिसकी टोटल वर्थ है 5 करोड़ रुपीज, इंक्लूडिंग iPhone 11, 12 एंड अकेडमी के सब्सक्रिप्शन. बहुत सारी चीजें ऐड करी गई हैं, इसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है. एंड लामिया10 आप कोड यूज करके, ठीक है, इसको अनलॉक कर सकते हो और फ्री ऑफ कॉस्ट स्कॉलरशिप टेस्ट को दे सकते हो 23rd of May 11 AM. तो इसके लिए भी आपको यहां पर रेडी रहना है. ठीक है भाई, चलो आगे चलते हैं और स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 2, एनालॉगी टेस्ट. एनालॉगी टेस्ट हम लोग कवर करेंगे, ठीक है. बट उससे पहले भाई बड़े सारे कमेंट्स आ चुके हैं. हाँ चलो, थैंक यू सो मच. ऑलराउंडर है, नहीं ऑलराउंडर तो नहीं है, बस लर्निंग रहती है. जैसे आप लोग सीखते हो वैसे हम लोग भी सीखते रहते हैं लाइफ में.
क्लियर है ऑडियो एंड वीडियो, ये बड़ी अच्छी बात है. वेरी गुड इवनिंग. प्लस और आइकॉनिक में डिफरेंस, प्लस में आपको सभी कुछ मिलेगा, आइकॉनिक में थोड़ा पर्सनलाइज्ड मिल जाता है, डेडिकेटेड डाउट सेशन, मेंटोरशिप मिल जाएगी, ठीक है, आपको लाइक थोड़ा सा एक्स्ट्रा कंटेंट मिल जाता है प्लस के ऊपर, आइकॉनिक के ऊपर, ठीक है. चलो थैंक यू सो मच. थोड़ा सा पढ़ाई पे ध्यान दीजिए, बाकी सारी चीजों पे कम ध्यान दीजिए, ठीक है. आप लोगों का सब पे मन लगता है, बस पढ़ाई को छोड़ दो, पढ़ाई ना करो, बाकी सब करा लो, सब कर लोगे, ठीक है. चलो स्टार्ट करते हैं. सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि एनालॉगी होती क्या है. एनालॉगी में आपको क्या होगा, बेसिकली दो ऑब्जेक्ट को दे देगा, ठीक है, और दो ऑब्जेक्ट के बीच में आपको रिलेशनशिप बता देगा. तो यहां पर होगा क्या, दो कोई भी ऑब्जेक्ट आपको दिए होंगे, टू ऑब्जेक्ट्स. अब आ जाओ भाई स्क्रीन पर. टू ऑब्जेक्ट्स के बीच में अगर हम लोग रिलेशनशिप की बात करें तो ये रिलेशनशिप आपको गिवन होता है. ये आपका क्या होगा, ये आपको गिवन होगा और कोई थर्ड ऑब्जेक्ट आपको दे देगा, कोई थर्ड ऑब्जेक्ट आपको दे देगा और ऑप्शन में आपका क्या होगा, फोर्थ ऑब्जेक्ट रखा होगा. उसके बीच में आपको रिलेशनशिप आइडेंटिफाई करना होता है. तो ये तो बड़ा इजी सा कंसेप्ट हो गया भाई, दो ऑब्जेक्ट के बीच में रिलेशन दिया हुआ है, तीसरे ऑब्जेक्ट को जो भी ऑप्शंस दिए हुए हैं उसके साथ रिलेशन बनाना है. जी हाँ, बिल्कुल भी टफ नहीं है, बहुत ही इजी है. मगर उसके लिए आपके पास क्या होना चाहिए, नॉलेज होनी चाहिए, जनरल अवेयरनेस की. किस तरह की नॉलेज होनी चाहिए, जैसे कि डिफरेंट डिफरेंट पर्सन किस किस रिलेटेड फील्ड में वर्क करते हैं, कौन कौन से पर्सन से मैन्युफैक्चरिंग फील्ड को रिलेट कर सकते हो, कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट क्या क्या चीजों को मेजर करने के लिए यूज करे जाते हैं, कौन से इंस्ट्रूमेंट का क्या काम होता है, क्वांटिटीज की यूनिट्स क्या होती हैं, पर्सन और इंस्ट्रूमेंट्स के बीच में आपके पास यहां पर नॉलेज होनी चाहिए. जैसे कि ऑथर हो गया, ऑथर्स का मेन इंस्ट्रूमेंट क्या होता है, पेन हो गया, ठीक है, पेन से ही वो सारी चीजें लिखते हैं तो उनका इंस्ट्रूमेंट पेन हो जाता है. तो यहां पर आपके पास थोड़ी इस तरह की डिटेल होनी चाहिए, प्लस आपके पास यहां पर एंटोनियम एंड साइनोनियम्स के रिलेटेड आपको थोड़ी सी नॉलेज होनी चाहिए. तो अभी हम लोग क्या करेंगे, पूरा एक घंटा डेटा कलेक्ट करेंगे. जैसे कि कल करा था, एक घंटा हमने पूरा डेटा कलेक्ट करा, कंटेंट कलेक्ट करा, देन हमने क्वेश्चन पर जंप करा था. सिमिलरली स्टार्ट कर देते हैं. सबसे पहले मैं यहां पर आपको बनवाऊंगी, देख लो भाई बहुत सारे चार्ट्स बनेंगे, ठीक है, ये चार्ट्स आपको भूलने नहीं है, सारी चीजें आपको याद रखनी है. सबसे पहला चार्ट हम लोग यहां पर बनाएंगे, जहां पर हम लोग लिखेंगे पर्सन, ठीक है, यहां पर हम लोग लिखेंगे पर्सन और यहां पर हम लोग लिखेंगे उसकी रिलेटेड फील्ड. मोबाइल सभी लोग हाथ में उठा लो, इस समय मुझे आपकी सहायता की जरूरत होगी. रिलेटेड फील्ड, ठीक है, रिलेटेड फील्ड. अब आप लोग सभी लोग बताओगे, रिवाइज करेंगे सारी चीजें. अगर मैं एक्टर की बात करूं, ठीक है, तो एक्टर कौन से रिलेटेड फील्ड में वर्क करता है, एक्टर का मुझे बताइए, जल्दी से मुझे बताओ भाई. अगर हम लोग एक्टर की बात करें तो एक्टर कहां वर्क करेगा, थिएटर में, ठीक है ना, एक्टर कहां वर्क करेगा, थिएटर में. चलो एक्टिंग करता है, नहीं, रिलेटेड फील्ड यहां पर हम लोग लिख रहे हैं, ठीक है. जैसे कि डॉक्टर हो गया, डॉक्टर की अगर रिलेटेड फील्ड की बात करें तो डॉक्टर कहां वर्क करेगा, एक्टर थिएटर में वर्क करेगा, तो डॉक्टर कहां वर्क करेगा, जल्दी से मुझे बताइए. कल का पीडीएफ, आज का पीडीएफ दोनों साथ में शेयर कर देंगे. अगर एक्टर थिएटर में जाके वर्क कर रहा है तो डॉक्टर कहां जाके वर्क करेगा, वेरी गुड, हॉस्पिटल में जाके वर्क करेगा, ठीक है, ये जाएगा हॉस्पिटल में, इसको कहीं रेस्टोरेंट में मत भेज देना, ठीक है, हॉस्पिटल ही भेजना है. अगर मैं फार्मर की बात करूं तो फार्मर किस फील्ड में वर्क करता है, जल्दी से मुझे बताइए, फार्मर का क्या चक्कर है भाई, फार्मर क्या करेगा, फार्मर हमारा कहां जाएगा, सोच के बताइए, फार्मर कहां जाता है, बता सकता है कोई, फील्ड में, हाँ फील्ड में कह सकते हैं या फार्म में, ठीक है, फार्म में जाके फार्मर आपका वर्क करता है, एग्रीकल्चर भी बोल सकते हैं. या रिलेटेड फील्ड की बात करें तो फार्मर फार्म में जाएगा, डॉक्टर हॉस्पिटल जाएगा, एक्टर थिएटर जाएगा, ठीक है. अब अगर मैं साइंटिस्ट की बात कर लूं, ठीक है, साइंटिस्ट की अगर मैं बात कर लूं तो साइंटिस्ट कहां जाएगा भाई, हाँ फार्मिंग के वर्क के लिए फार्म में जाएगा, ठीक है, बढ़िया, ये बढ़िया है. अभी ये मुझे बताइए कि साइंटिस्ट कहाँ जाने वाला है, लैब में जाएगा, ठीक है, तो इसको हम लोग लेबोरेटरी बोल सकते हैं, RATORY, ठीक है, लेबोरेटरी को, साइंटिस्ट को लेबोरेटरी में भेज दो. अगर हम लोग क्लर्क की बात करें, ठीक है, इफ यू टॉक अबाउट द क्लर्क, तो क्लर्क कहाँ जाएगा भाई, क्लर्क कहाँ जाने वाला है, जल्दी से मुझे बताइए कि क्लर्क कहाँ जाता है भाई. सारी चीजें आप ही के ऊपर है, सारे आंसर्स आज आप करोगे. पूरा एक घंटा मुझे आपका हेल्प चाहिए, ठीक है, मुझे नहीं पता है, आप बताओगे, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया. क्लर्क कहाँ जाएगा, क्लर्क आपका ऑफिस जाएगा. अब अगर मैं टीचर की बात करूं तो टीचर को आप कहाँ भेजोगे, टीचर को कहाँ भेजने वाले हो, टीचर कहाँ जाएगा भाई, जल्दी से बताइए मुझे, वेयर टीचर विल गो, जल्दी से मुझे बताइए,
एक मिनट होल्ड करिएगा, ठीक है, एक मिनट होल्ड करिएगा। हेलो जी, ओके ओके ओके, गिव मी अनदर सेल फोन, लास्ट नंबर पे कॉल कर लो और कुरियर है, ठीक है, वाला मोबाइल दे दो, एक मिनट रुकिएगा, बस इम्पोर्टेंट कॉल थी। लाइक कुरियर वाले को ऐसे रिटर्न नहीं करा जा सकता, बड़ी मेहनत से घर ढूंढ के आते हैं वो, ठीक है, तो एक मिनट बस मुझे दीजिए, आपके कमेंट सेक्शन को मैं ओपन कर लूँ दूसरे सेलफोन पे, देन फिर हम लोग स्टार्ट कर देंगे। लेट्स क्रैक गेट वाला प्लेटफॉर्म है और ये रही मेरी क्लास, ठीक है। तो टीचर को कहाँ भेज रहे हो आप भाई, जल्दी से देख लेते हैं, क्लासरूम में, स्कूल में या कोचिंग में, ठीक है, तो स्कूल या कोचिंग लिख सकते हैं, तो यहाँ पर हम लोग स्कूल लिख देते हैं कि टीचर हमारा कहाँ जाता है, यह आपका जाएगा स्कूल में, ठीक है। देन अगर आप नेक्स्ट देखोगे तो नेक्स्ट हमारा क्या है, ट्रेडर, ट्रेडर कहाँ जाएगा जल्दी से मुझे बताइए, ट्रेडर का क्या काम होता है, अनअकैडमी पर जाएगा। टीचर कहाँ जाएगा, अनअकैडमी पर जाएगा, आज के टाइम पर तो सारे टीचर अनअकैडमी पर आना चाहते हैं, ठीक है, क्योंकि एनवायरनमेंट अच्छा है यहाँ का और लाइक फ्रीडम रहती है, आप काम अच्छे से कर पाते हो, लाइक कोई प्रेशर नहीं रहता है कि आपको यही पढ़ाना है यही करना है, आप क्वालिटी अपने खुद से मेंटेन कर सकते हो, सो दैट इज द बिग बिग थिंग, ठीक है। मार्केट में जाएगा, ठीक है भैया, तो यहाँ पर लिख सकते हैं कि जो ट्रेडर है वो कहाँ पर जाएगा, शॉप में जाएगा, ट्रेडर कहाँ पर जाने वाला है, शॉप में जाने वाला है। आगे चलो भाई, आगे चलो भाई, एक हमारा ये कंप्लीट हो गया, देन नेक्स्ट हमारा क्या होगा, एक सेकेंड, आज क्या हो रहा है, चलो इसको एक बार और यहां पर बनाते हैं, तो कुछ ट्रेडर का हमारा कंप्लीट हो गया, ये सेम चल रहा है, देखो जितने भी व्हाइट कलर से मैं यहां पर बना रही हूं सारे के सारे व्हाइट कलर वाले क्या है, सेम है, ठीक है, व्हाइट कलर से जो भी आउटलाइनिंग चल रही है वो सेम है। तो ट्रेडर हमारा मार्केट में चला गया, अब मुझे बताइए क्लर्क आपको ऑफिस में चला गया, लेबर कहां जाएगी, लेबर को कहां भेजोगे, लेबर कहां जाने वाली है जल्दी से मुझे बताइए। हाँ चलो बढ़िया है, फ्रेंच फ्राइज खाते जाइए और पढ़ाई करते जाइए, लेबर को कहाँ भेजोगे भाई, लेबर आपका जो है, ओके भाई आज तो, लेबर आपका कहाँ जाएगा, फैक्ट्री में, फैक्ट्री में काम करेगा लेबर, ठीक है, फैक्ट्री में लेबर आपका काम करेगा। ये सारी चीजें नहीं समझ आएंगी तो फिर आप एनालॉजी के क्वेश्चन नहीं बना पाओगे, फैक्ट्री भी बोल सकते हैं, जैसे कि एक बच्चे ने बोला कि इंडस्ट्री, तो इंडस्ट्री भी एक करेक्ट ऑप्शन होगा, लेबर को या तो आप फैक्ट्री में भेजोगे या तो आप इंडस्ट्री में भेजोगे, ठीक है। नेक्स्ट देखो, अगर मैं कुक की बात करूं तो कुक कहां जाने वाला है, कुक आपका जाएगा किचन में, ठीक है, किचन में जाके कुक क्या करेगा, खाना बनाएगा। यहां पर देखो, डॉक्टर हॉस्पिटल जा रहा है, टीचर स्कूल जा रहा है, तो कुक कहां जाएगा, डेफिनेटली किचन में जाएगा। अगर मैं हीरो की बात करूं, ठीक है, हीरो कहां जाएगा, हीरो स्टेज पर काम करता है, तो हीरो आपका स्टेज पर जाएगा। एक्टर कहां जाएगा, थिएटर में जाएगा, हीरो कहां जाएगा, स्टेज पर। हीरो कैसे वर्क करते हैं, स्टेज के ऊपर वर्क करते हैं। अगर मैं यहां पर प्रीस्ट की बात करूं, ठीक है, कि प्रीस्ट कहां जाएंगे, तो प्रीस्ट कहां जाने वाले हैं जल्दी से मुझे बताइए, प्रीस्ट कहां जाएंगे जल्दी से बताओ मुझे। हाँ, फिल्म स्टेज, स्टेज बेसिकली बोलेंगे कि हीरो हमारे स्टेज पर वर्क करेंगे, ठीक है, जितने भी सुपरस्टार होते हैं वो सारे के सारे स्टेज पर वर्क करते हैं, तो ये हमारे कहाँ जाएंगे, ये टेंपल में जाएंगे, ठीक है, प्रीस्ट हमारे टेंपल में जाने वाले हैं। अगर मैं मैकेनिक की बात करूं, ठीक है, अगर किसी भी मैकेनिक की बात करूं तो मैकेनिक कहां पर काम करता है, वर्कशॉप में, ठीक है, वहां पर उसके पास सारे टूल्स होते हैं, मशीन होती है, तो मैकेनिक हमारा काम करेगा वर्कशॉप में, ठीक है, वर्कशॉप में, मैकेनिक का हमारा क्या हो गया, वर्कशॉप। चलो भाई आगे चलते हैं, गैराज भी बोल सकते हैं, गैराज भी बोल सकते हैं, वर्कशॉप भी बोल सकते हैं। नेक्स्ट हमारा बात करें अगर एडवोकेट, ठीक है, एडवोकेट हमारा कहाँ जाएगा, एडवोकेट हमारा जाता है कोर्ट में, ये कोर्ट में वर्क करते हैं एडवोकेट, ठीक है। देन अगर आप देखोगे अंपायर की बात करें तो अंपायर मुझे बताओ कहां पर होगा, अंपायर कहां पर खड़ा होता है, अगर आप मैच देखते हो तो अंपायर कहां पर होगा जल्दी से मुझे बताइए, कोर्ट में अंपायर कहां होगा, कोर्ट में, या कह सकते हैं पिच में, ठीक है, पिच में काम करेगा। अंपायर कहां खड़ा होता है, पिच के ऊपर खड़ा होता है, ठीक है ना, अंपायर कहां खड़ा होगा, पिच के ऊपर खड़ा होगा, पिच के ऊपर। हाँ चलो आगे चलते हैं और इसको थोड़ा सा बड़ा करते हैं, लाइक ये वाली लाइन सबसे ज्यादा लंबी है तो इसको पूरा ध्यान रखना है, और इसमें लाइक कुछ ऐसा नहीं है, आप एक बार पढ़ लोगे आपको सारी चीजें ध्यान रहने लगेंगी, ठीक है। तो अंपायर की बात हो गई। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं ब्रेव की, तो ब्रेव कहां पर जाएंगे, ब्रेव जाने वाले हैं बैटल फील्ड में, ठीक है, बैटल फील्ड में इनको हम लोग यहां पर भेजेंगे। अब मैं थोड़ा सा जल्दी जल्दी लिख देती हूँ, ब्रेव हमारे बैटल फील्ड में जाएंगे, अंपायर पिच में, एडवोकेट कोर्ट में चला जाएगा। अगर मैं केमिस्ट की बात करूं तो
तो केमिस्ट हमारे कहाँ जाएंगे, मेडिकल फील्ड में, ठीक है। जितनी भी मेडिकल फील्ड है वहां हमारे क्या जाते हैं, केमिस्ट जाते हैं, या कह सकते हैं मेडिकल स्टोर, ठीक है। देन अगर मैं वेटर की बात करूं कि वेटर कहाँ जाएंगे, तो डेफिनेटली वेटर को जाना है रेस्टोरेंट में, ठीक है, रेस्टोरेंट में। तो ये हमारा हो गया रेस्टोरेंट। तो इतनी सारी चीजें आपको याद रखनी है। ये जो हमारा काम था, ये हमारा था कि पर्सन कौन कौन है और उनकी रिलेटेड फील्ड कौन है। एक्टर जाएगा थिएटर में, डॉक्टर जाएगा हॉस्पिटल में, फार्मर जाएगा फार्म में, साइंटिस्ट जाएगा लेबोरेटरी में, क्लर्क ऑफिस चला जाएगा, टीचर अनअकैडमी चपेर आ जाएगा, ठीक है। ट्रेडर हमारे शॉप पर चले जाएंगे, लेबर फैक्ट्री या इंडस्ट्री में, कुक हमारा किचन में जाएगा, हीरो स्टेज पर परफॉर्म करेगा, प्रीस्ट हमारे टेंपल में चले जाएंगे, मैकेनिक वर्कशॉप में चला जाएगा, एडवोकेट कोर्ट में, और अंपायर किस में, पिच में। जो ब्रेव होंगे वो बैटल फील्ड में, केमिस्ट जो होंगे वो मेडिकल फील्ड में, जितने भी वेटर होंगे वो हमारे कहां जाएंगे, और रेस्टोरेंट में, और इंजीनियर्स कहां जाएंगे, ये सारी फील्ड में, ठीक है। सारी फील्ड ओपन है इंजीनियर्स के लिए। नेक्स्ट एक और यहां पर हम लोग बनाते हैं। अब हम लोग बात करेंगे पर्सन और उससे रिलेटेड उसके मैन्युफैक्चर्ड आइटम। ये भी मुझे आपकी हेल्प चाहिए होगी, मैं अकेले नहीं कर पाऊंगी ये काम, तो मैं यहां पर लिखे दे रही हूं पर्सन, ठीक है। यहां पर आपका आ गया पर्सन, ये आपका हो गया पर्सन, और यह क्या हो गया, मैन्युफैक्चर्ड आइटम, मैन्युफैक्चर्ड आइटम, ठीक है। तो यहां पर अगर मैं बात करूं ऑथर, तो ऑथर से रिलेटेड, ऑथर और किस मैन्युफैक्चर्ड आइटम का रिलेशन है, वी आर डेवलपिंग द रिलेशन, ठीक है, वी आर डेवलपिंग द रिलेशन। तो किस मैन्युफैक्चर्ड आइटम से ऑथर का रिलेशन होगा, जल्दी से मुझे बताइए। वेरी गुड, बहुत बढ़िया, बुक से होगा, बुक से होगा, ठीक है ना, बुक से होने वाला है। अगर मैं यहां पर बात करूं फार्मर की, ठीक है, अगर मैं यहां पर बात करूं फार्मर, तो किस मैन्युफैक्चर्ड आइटम से रिलेटेड है फार्मर का, फार्मर का रिलेशन किससे होता है भाई, कौन से मैन्युफैक्चर्ड आइटम से होता है, क्रॉप से, क्योंकि ना वो फार्म में जाता है। फार्मर कहाँ जाता है, फार्म में जाता है, फार्मिंग करता है, उसके बाद उसको मैन्युफैक्चर्ड आइटम क्या मिलता है, क्रॉप्स मिल जाती हैं। तो क्रॉप्स इज द आंसर, ये इसका मैन्युफैक्चर्ड आइटम हो जाएगा। अगर मैं यहां पर बात करूं कारपेंटर की, ठीक है, कारपेंटर की अगर मैं बात करूं, तो कारपेंटर का मैन्युफैक्चर्ड आइटम क्या होता है, वेजिटेबल्स या क्रॉप्स बोल सकते हैं डायरेक्ट, ठीक है, फूड डायरेक्टली नहीं बोल सकते, ठीक है, फूड नहीं बोल सकते। कुक का फाइनल आइटम, जो कुक होते हैं उनका फाइनल आइटम फूड होता है, फार्मर का तो क्रॉप्स होता है, फसल जिसे बोलते हैं फसल, ठीक है। तो कारपेंटर का सीधा साधा रिलेशन हो जाएगा फर्नीचर से। कारपेंटर जब काम कर लेता है, पूरा कंप्लीट हो जाता है, तो फाइनल प्रोडक्ट हमारा क्या निकलता है, टेबल हो गई, सोफा हो गया, चेयर हो गई, ठीक है, ये सारे आपके क्या होता है, फर्नीचर से रिलेटेड होता है, तो कारपेंटर का ये हो जाएगा। अगर हम लोग किसी पोएट की बात करें, कोई पोएट हमारा है, ठीक है, तो पोएट का जो फाइनल रिजल्ट होता है, मैन्युफैक्चर्ड आइटम जिसे बोल सकते हैं, वो क्या होता है भाई, पोएम होती है। वो रात भर बैठ के सोचता है कि लिखना क्या है, और जब फाइनली सारे शब्दों को वो पिरो लेता है, तो एक प्यारी सी पोएम निकल के आती है, जो उसका फाइनल प्रोडक्ट होता है। तो पोएट का रिलेशन किससे होगा, पोएम से होने वाला है, बहुत बढ़िया, ठीक है। अब देखो भाई, अगर मैं यहां पर बुशर की बात करूं, तो बुशर किससे रिलेटेड होते हैं, जल्दी से मुझे बताइए, बुशर किससे रिलेटेड होते हैं, स्लॉटर हाउस में बुशर होते हैं, वो किससे रिलेटेड होते हैं, जल्दी से मुझे बताइए। बुशर का फाइनल क्या होता है, प्रोडक्ट, फाइनल प्रोडक्ट होता है आपका मीट, ठीक है, फाइनल प्रोडक्ट आपका हो जाएगा मीट। अगर कुक की बात करोगे, तो कुक क्या करता है, कुक जाता है किचन में, ठीक है, कुक की फील्ड क्या है, किचन है। किचन में जाके जब वो अपना पूरा काम परफॉर्म कर लेता है, तो फाइनली हमें क्या मिल जाता है, यम्मी यम्मी फूड मिल जाता है, ठीक है। तो कुक की जो मैन्युफैक्चर्ड आइटम होगा वो क्या होगा, चलो, ठीक है, बुशर इज अ पर्सन जो मीट काट, जो लाइक काटता है, ठीक है, वही वही होता है, ठीक है, आप समझ लो इसको, गूगल कर लेना तो ज्यादा बेहतर रहेगा, रादर देन इस तरीके के नेगेटिव वर्ड आप मेरे से बुलवाओ, ठीक है। चलो आगे चलते हैं, अब आगे चलते हैं, एडिटर की बात करते हैं, ठीक है, एडिटर, तो एडिटर का फाइनल प्रोडक्ट क्या होता है, न्यूज़पेपर, ठीक है, न्यूज़पेपर होता है इसका फाइनल प्रोडक्ट एडिटर का। फिर उसके बाद यहां पर कुछ और टर्म्स भी हम लोग ऐड कर देते हैं, लाइक कुछ और चीजें भी हैं यहां पर ना ऐड करके एक नया बना लेते हैं, ठीक है, छोटा सा और, लाइक दिस। तो यहां पर हमारे पास एडिटर का भी आ गया है। अब देखो भाई, नेक्स्ट हमारा क्या बचा, आप बताओ मुझे, अगर एडिटर हो गया, देन ड्रामेटिस्ट, ठीक है, ड्रामेटिस्ट किससे रिलेटेड होते हैं, जल्दी से मुझे बताइए, ड्रामेटिस्ट क्या क्या परफॉर्म करते हैं, लाइक फाइनल प्रोडक्ट ड्रामेटिस्ट का क्या निकलता है, जल्दी से मुझे बताइए, फाइनल प्रोडक्ट क्या निकलेगा, ड्रामा,
ठीक है ना। तो ये मैन्युफैक्चर्ड आइटम हो गया ड्रामेटिस्ट का ड्रामा। तो आपको इतनी सारी चीजें लाइक ये जो है ये बहुत नॉर्मल चीजें हैं, कॉमन है, रेगुलर हम लोग अपनी लाइफ में देखते रहते हैं कि ऑथर बुक के साथ डील कर रहे हैं, फार्मर के फाइनल प्रोडक्ट आपका मैन्युफैक्चर्ड क्रॉप है, कारपेंटर फर्नीचर से रिलेटेड है, पोएट पोएम लिखेगा, बुचर मीट को काटेगा, ठीक है मीट बनाएगा बेसिकली, कुक क्या करेगा फूड बनाएगा, एडिटर न्यूज़पेपर बनाएगा, और ड्रामेटिस्ट क्या होगा ड्रामा करेगा। ठीक है अब आगे चलो भाई, एक और यहां पर हम लोग को क्या करना है, इसी के जस्ट नीचे एक और मैं बनाती हूं। अब मैं यहां पर क्या लिखूंगी, अब मैं यहां पर लिखूंगी इंस्ट्रूमेंट, और आपको बताना है कि वो इंस्ट्रूमेंट क्या मेजर करने के लिए यूज होता है। ठीक है यहां पर मैं लिखूंगी इंस्ट्रूमेंट, यहां पर मैं लिखूंगी इंस्ट्रूमेंट और उसका आपको बताना है यूज टू मेजर क्या होगा। ठीक है यहां पर मैं लिख देती हूं यूज्ड टू मेजर। जैसे कि सबसे पहले मैं बात करती हूं स्केल की, तो स्केल क्या नापने के लिए मेजर करा जाता है जल्दी से मुझे बताइए। हाँ रीजनिंग एप्टीट्यूड आपके गेट और ईएससी दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है, और पीएसयूज के लिए थोड़ा ज्यादा इंपॉर्टेंट है बिकॉज इसका वेटेज बढ़ जाता है। ठीक है अगर वेटेज बढ़ेगा तो डेफिनेटली आपको एक्स्ट्रा मदद है लाइक एक्स्ट्रा मेहनत करनी पड़ेगी। तो स्केल का यूज हम लोग करते हैं लेंथ को मेजर करने के लिए। ठीक है स्केल का यूज लेंथ को मेजर करने के लिए। अब उसके बाद देखो सेसिमोग्राफ की अगर मैं बात करूं, सेसिमोग्राफ किसके लिए यूज होता है जल्दी से मुझे बताइए, व्हाट इज द यूज ऑफ द सेसिमोग्राफ, किसको मेजर करने के लिए यूज होता है जल्दी से बताइए मुझे। सेसिमोग्राफ बहुत इजी है, बस आपको डेली बेसिस पर एक से डेढ़ घंटा दो घंटा निकाल के आना है मेरे साथ और सब कुछ सीख के चले जाना है, उसके बाद रीजनिंग में कुछ नहीं बचेगा। टोटल 20 के आसपास चैप्टर्स हैं, सारे के सारे हम लोग कवर कर लेंगे। व्हाट इज सेसिमोग्राफ, वेरी गुड, अर्थक्वेक। ठीक है अर्थक्वेक को मेजर करने के लिए, अर्थक्वेक को मेजर करने के लिए हम लोग सेसिमोग्राफ का यूज करते हैं। अब अगर मैं बात करूं थर्मोमीटर की, देखो ये रीजनिंग जो है ना ये उनको नॉन टेक्निकल वालों को टफ लगती है क्योंकि इंस्ट्रूमेंट वगैरह तो वो लोग पढ़ते नहीं है, ये सारी चीजें उनको आइडिया होता नहीं, हम लोग तो ऑलरेडी पढ़ते रहते हैं तो हमें तो वैसे भी पता है कि ये सारी चीजों का यूज क्या है। ठीक है हम इंजीनियर्स हैं, हमारे लिए इजी है। थर्मोमीटर की क्या मेजर करने के लिए यूज होगा, डेफिनेटली थर्मोमीटर का यूज करेंगे टेम्परेचर मेजरमेंट के लिए, टेम्परेचर मेजरमेंट के लिए। ठीक है अगर मैं यहां पर एमीटर की बात करूं, एमीटर की, तो एमीटर किसके लिए यूज होता है भाई, एमीटर भी मुझे बता दीजिए। ठीक है एमीटर क्यों यूज करते हैं, अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब भी कर देना। ठीक है इंजीनियर्स गोविंद कुमार खुश हो गए। चलो करंट को मेजर करने के लिए यूज होता है, वेरी गुड, करंट को मेजर करने के लिए हम लोग जिस इंस्ट्रूमेंट का यूज करते हैं उसका नाम होता है एमीटर। ठीक है उसका नाम क्या होता है, एमीटर होता है। अब आगे देखो भाई इसमें कुछ और चीजें ऐड करते हैं। अब देखो नेक्स्ट हमारा नाम क्या है, नेक्स्ट हमारा यहां पर नाम हो जाएगा लाइक इसकी स्पेलिंग लिख देते हैं, थोड़ी सी टफ है भाई, चलो इसको लिख देते हैं SPHYG। ओके एक सेकेंड रुकिएगा भाई, बहुत गंदी राइटिंग चल रही है मेरी। मैनोमीटर, ठीक है सही है। चलो इस स्फिग्मो मैनोमीटर का यूज किसकी वजह से करते हैं जल्दी से मुझे बताइए। स्फिग्मो मैनोमीटर बीपी को मेजर करने के लिए यूज करते हैं। ठीक है ब्लड प्रेशर को मेजर करने के लिए इसका यूज करा जा सकता है। ठीक है ब्लड प्रेशर को मेजर करने के लिए, सही है सारे के सारे लोग ऑलमोस्ट सही आंसर दे रहे हो ब्लड प्रेशर का। नाउ नेक्स्ट हमारा है हाइग्रोमीटर। ठीक है हाइग्रोमीटर का मुझे बताइए जरा कि हाइग्रोमीटर किसको मेजर करने के लिए यूज करते हैं, व्हाट इज द यूज ऑफ द हाइग्रोमीटर इंस्ट्रूमेंट जल्दी से बुद्धे बताइए। हाँ आज बताएं, आज पनौती लगी हुई है बस और कुछ नहीं है, लाइट भी बार बार जा रही है, पेन भी काम नहीं कर रहा है, ठीक है उसकी वजह से थोड़ा सा डिस्ट्रैक्शन हो रहा है मेरे माइंड में भी। ह्यूमिडिटी, ठीक है ह्यूमिडिटी को मेजर करने के लिए हम लोग हाइग्रोमीटर का यूज करते हैं। नाउ नेक्स्ट हमारा क्या आ जाएगा, बैरोमीटर आ जाएगा। अब मुझे ये बताइए कि बैरोमीटर का यूज हम लोग बच्चा लोग कहाँ पर करते हैं, एयर मॉइस्चर। हाँ एयर मॉइस्चर का मतलब ही होता है कि हवा में कितनी ह्यूमिडिटी है, उसको मेजर करने के लिए हाइग्रोमीटर का यूज कर लेते हैं। ठीक है अब मुझे ये बताइए कि बैरोमीटर को किस किस लिए यूज करते हैं। हाँ बैरोमीटर का यूज करा जाता है प्रेशर के मेजरमेंट के लिए, प्रेशर के मेजरमेंट के लिए। ठीक है तो बैरोमीटर हो गया। नेक्स्ट हमारा क्या होता है, वोल्ट मीटर।
अब मुझे बताओ कि वोल्ट मीटर किसके लिए यूज करा जाता है। वोल्ट मीटर हमारा वोल्टेज को मेजर करेगा, तो इसमें तो कुछ पूछने वाली बात ही नहीं है। अगर मैं स्पीडोमीटर की बात करूं तो इसके नाम में ही सारी चीजें छुपी हुई हैं। किसके लिए होगा? स्पीड को मेजर करने के लिए आपका हो जाएगा। ठीक है, आज थोड़ा मैनेज करना है, थोड़ा सा पेन वगैरह में दिक्कत है। ठीक है, वो अभी क्लास के बाद ही ठीक हो पाएगी। एक बार क्लास स्टार्ट हो जाती है तो कुछ नहीं हो पाता है। अब यहां पर बात करें रेन गेज की। ठीक है, तो बच्चा रेन गेज का यूज हम लोग कहां पर करते हैं? अमाउंट ऑफ रेनफॉल, कितना अमाउंट ऑफ रेनफॉल होगा उसको मेजर करने के लिए। ठीक है, तो ये आपका हो गया अमाउंट ऑफ रेनफॉल। रेन, अमाउंट ऑफ रेन लिख देते हैं या पूरा लिख देते हैं अमाउंट ऑफ रेनफॉल, तो इसका हम लोग यूज करते हैं रेन गेज का। ठीक है, तो ये चीज हमें यहां पर समझ आ गई कि क्या क्या इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं और उसका उसको यूज किस लिए करते हैं, किसको मेजर करने के लिए। अब यहां पर हम लोग क्या करेंगे, एक और बनाएंगे। ठीक है, अब देखो चाहे जितनी भी यहां पर टेबल्स बनानी पड़ जाए मगर आपको टेंशन नहीं लेना है, क्योंकि आपको इसमें से 80% चीजें पता होंगी जो जनरल चीजें होने वाली हैं। सिर्फ आपको वर्क किस पे करना है, 20% चीजों पे, और वो आपको सुन के समझ आ जाएंगी। ठीक है, तो अभी यहां पर मैं लिखूंगी इंस्ट्रूमेंट। अब यहां पर मैं लिखने वाली हूं इंस्ट्रूमेंट और उसका वर्क क्या है। ठीक है, उसका वर्क क्या है, जैसे कि अगर मैं बात करूं स्पेड की, तो स्पेड को किसके लिए यूज करते हैं? व्हाट इज द यूज ऑफ स्पेड? चलो बढ़िया, कोई दिक्कत नहीं है, अमाउंट ऑफ रेनफॉल के लिए यूज हो गया। अब मुझे बताइए कि अगर आपके पास स्पेड है तो उस स्पेड का यूज आप क्या करने के लिए करोगे? व्हाट इज द यूज ऑफ स्पेड? नहीं जानते? डिगिंग के लिए, खुदाई के लिए यूज होता है स्पेड। ठीक है, फावड़ा भी बोलते हैं शायद इसे, इसे फावड़ा भी बोलते हैं, ये डिगिंग के लिए यूज होता है। ठीक है, डिगिंग के लिए, खुदाई के लिए। ठीक है, नेक्स्ट हमारा देखो, अगर मैं नाइफ की बात करूं, नाइफ इज ऑल्सो एन इंस्ट्रूमेंट। ठीक है, तो नाइफ का यूज हम लोग क्यों करते हैं? कटिंग के लिए करते हैं, कटिंग के लिए यूज होता है। फिल्टर की अगर मैं हम लोग बात करें तो फिल्टर का यूज क्यों किस लिए होता है? प्यूरीफाई करने के लिए। अगर आपका एयर फिल्टर है तो वो एयर को पूरी प्यूरीफाई करेगा, अगर वाटर फिल्टर है तो वो वाटर को प्यूरीफाई करेगा। तो यहां पर लिख सकते हैं टू प्यूरीफाई। ठीक है, प्यूरीफाई करने के लिए हम लोग फिल्टर का यूज करते हैं। बढ़िया, प्यूरीफाई करने के लिए। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें पेन की, पेन आपका एक इंस्ट्रूमेंट है, किसके लिए यूज कर रहे हो? इसका वर्क क्या है? टू राइट। ठीक है ना, पेन से आप, ऐसा तो है नहीं कि आप चीजों को मिटाते हो, इरेज करते हो या बैट बॉल खेलते हो, राइटिंग ही करते हो, तो इसका वर्क क्या हो जाएगा? टू राइट। ठीक है, हिंदी भी बोलते, अरे बहुत हिंदी बोलती हूँ मैं, बच्चे बोलते हैं कि आप इंग्लिश आपको नहीं आती है, इतनी हिंदी बोलती हूँ मैं। ठीक है, रबर, अगर मैं रबर की बात करूं, रबर का किस क्या यूज है? रोविंग के लिए। ठीक है, पेन का काम हो गया टू राइट एंड रबर का काम हो गया रोविंग। ठीक है भाई, राइटिंग हो गया, रोविंग हो गया, स्पेड का हो गया, डिगिंग, नाइफ का हो गया, कटिंग, फिल्टर का हो गया, भाई प्यूरीफाई करो। अब यहां पर एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट हम लोग बनाएंगे टेबल जिसमें हम लोग लिखेंगे क्वांटिटी और फिर उसके यूनिट आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, जितनी भी क्वांटिटीज है इंपॉर्टेंट उसकी यूनिट पता होनी चाहिए। अब देखो, जैसे कि मैंने आपको बताया कि आप क्या हो, आप इंजीनियर हो, आप ऑलराउंडर हो। ठीक है, तो आपके लिए ये वन ऑफ द इजिएस्ट टास्क होगा। इंजीनियर्स के लिए एनालॉजी वन ऑफ द इजिएस्ट चैप्टर होता है। क्यों? क्योंकि हमें पता है भाई फोर्स की यूनिट क्या होती है। अब किसी ऐसे बंदे से पूछ लो जो आर्ट पढ़ रहा है, ठीक है, आर्ट आर्ट पढ़ रहा है, या फिर और भी एक चैप्टर होता था, कौन सा, होम साइंस। ठीक है, होम साइंस पढ़ रहा है तो उसके लिए प्रॉब्लम वाली बात है, हमारे लिए कोई दिक्कत नहीं है, हमें पता है फोर्स की यूनिट न्यूटन होती है। अगर हमको कोई करंट दे दे, ठीक है, तो करंट की यूनिट क्या होती है? एम्पेयर होती है। करंट की यूनिट आपकी हो जाएगी एम्पेयर, याद है भाई। अगर कोई हमें एंगल दे दे तो एंगल की यूनिट क्या होगी? या तो डिग्री होगी या तो रेडियन होगी। ठीक है ना, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं भाई, या तो इसकी यूनिट डिग्री हो जाएगी या तो इसकी यूनिट रेडियन हो जाएगी, या तो रेडियन हो जाएगी। ऑलराउंडर, वी आर ऑलराउंडर। ठीक है, यही खास बात है हमारे में, क्योंकि हम लोग 4 साल पढ़ाई छोड़ के सब कुछ करते हैं ना, तो हम ऑलराउंडर हो जाते हैं, फिर उसके बाद हमें जम के पढ़ाई करनी पड़ती है। अगर मैं लाइट वेलोसिटी की बात करूं तो लाइट वेलोसिटी की यूनिट क्या होती है, कोई बता सकता है? रेडियन और डिग्री मैंने लिख दिया है, ये आपके लिए थोड़ा सा नया होगा कि लाइट की वेलोसिटी किस में मेजर करी जाती है, जल्दी से मुझे बताओ, लाइट की वेलोसिटी बताइए। अदिति गुप्ता ने सी लिख दिया है, ठीक है, ओके, लाइट ईयर, ओके, इंटेंसिटी, नहीं मैं पढ़ती थी, नहीं ऐसा नहीं था कि मैं नहीं पढ़ती थी, मैं थोड़ा बहुत पढ़ लेती थी। ठीक है, तो यहां पर हो जाएगा कैंडेला, कैंडेला होती है आपकी
लाइट की वेलोसिटी की यूनिट, लाइट वेलोसिटी की यूनिट होती है हमारी कैंडेला, ठीक है। अब आगे देखो भाई, अगर मैं बात करूं फ्रीक्वेंसी की, तो फ्रीक्वेंसी किस में होती है, हर्ट्ज में होती है, ठीक है ना। अब यहां पर ये सारी चीजें लाइक बहुत टफ नहीं है, फ्रीक्वेंसी हमें पता है हर्ट्ज में होती है। अगर मैं चार्ज की बात करूं, चार्ज इज ऑल्सो दी क्वांटिटी, ये किस में होती है, ये आपकी कूलम्ब में होती है, ठीक है। तो कूलम्ब लिख देते हैं यहां पर, ये आपका किस में हो गया, कूलम्ब में हो गया। अगर मैं यहां पर पावर की बात करूं, तो पावर किस में होती है भाई, हम बोलते हैं 2 किलोवाट, 5 किलोवाट, 7 किलोवाट। तो पावर किस में होगा, पावर आपका वॉट में होगा, चाहे वॉट में बोल लो चाहे आप जूल पर सेकंड में बोल लो, बात एक ही है, ठीक है ना। चाहे आप वॉट बोलो चाहे जूल पर सेकंड बोलो, बोथ आर सेम। तो इसमें और भी बहुत इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट यूनिट हम लोग ऐड करेंगे, देखिएगा जरा। चलो भाई, इसमें और भी इंपॉर्टेंट यूनिट ऐड करते थे, जैसे पावर हो गया। अभी मैं बात करती हूं लेंथ की, तो लेंथ की यूनिट क्या होती है, या तो मीटर या तो सेंटीमीटर, ठीक है, या तो फिर आपका एमएम। तो या मीटर, सेंटीमीटर, एमएम, सारे लिख सकते हो, मीटर हो गया, सेंटीमीटर हो गया, एमएम हो गया। अगर मैं वर्क की बात करूं, तो वर्क किस में होता है, जूल में होता है, ठीक है ना। एंड रेट ऑफ डूइंग वर्क हमारा क्या हो जाता है, पावर हो जाता है, इस वजह से वो जूल पर सेकेंड हो जाता है। अच्छा, जूल के साथ आप न्यूटन मीटर भी याद रख सकते हो कि वर्क की। अब देखो, हम लोग इंजीनियर्स हैं, अभी नॉन इंजीनियर वालों को पूछोगे तो वो जूल रटे बैठे होंगे, उनको नहीं पता होगा कि जूल को न्यूटन मीटर भी बोलते हैं, ठीक है। बट हमारे पास एडवांटेज है कि हम जूल, न्यूटन मीटर, वॉट, जूल पर सेकंड सब जानते हैं, कोई टेंशन नहीं हमें। एनर्जी बताओ भाई, एनर्जी की अगर हम लोग बात करें तो इसकी यूनिट भी सेम होगी जूल, ठीक है। अगर मैं यहां पर वेट की बात करती हूं भाई कि वेट किस में होता है, तो डेफिनेटली वेट को हम लोग किस में लिखते हैं, न्यूटन में लिखते हैं। अगर हम लोग मास की बात करें, तो मास किस में हो जाता है, किलोग्राम में। एरिया की बात करोगे, तो एरिया किस में होता है, या तो मीटर स्क्वायर, या तो सेंटीमीटर स्क्वायर, या तो एमएम स्क्वायर, बहुत ईजी है, ठीक है ना। अगर मैं यहां पर वॉल्यूम की बात करूं, तो वॉल्यूम कितना हो जाता है, मीटर क्यूब या सेंटीमीटर क्यूब। अगर मैं यहां पर प्रेशर की आपसे बात करूं, तो प्रेशर हमारा क्या हो जाता है, पास्कल, ठीक है, प्रेशर हमारा क्या हो जाएगा, पास्कल। बाकी वेलोसिटी मीटर पर सेकंड, एक्सेलरेशन मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो आई डोंट थिंक सो कि मुझे वो भी लिखने की जरूरत है, अगर जरूरत पड़ जाए तो यहां पर ऐड कर लेना, ठीक है, यहां पर ऐड कर सकते हैं। जैसे कि वेलोसिटी हो गई, तो वेलोसिटी किस में होती है, मीटर पर सेकंड में। एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन किस में होगा, ये आपका हो जाएगा मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है। तो ये सारी चीजें, हाँ, यहाँ पर पास्कल, देखो स्टैंडर्ड यूनिटी मोस्टली आपको क्वेश्चन में दी होगी, मगर हमें पता है कि इसको हम लोग किलो पास्कल, बार, ठीक है, ये सब में लिख सकते हैं, ये सब में लिख सकते हैं, ठीक है भाई। तो ये हमारे पास कंप्लीट हो गया। अब हम लोग यहां पर आगे बात करेंगे पर्सन की, और वो पर्सन क्या इंस्ट्रूमेंट यूज करता है उसके बारे में, ठीक है। अब देखो एक और टेबल बनेगी यहां पर, इसमें कुछ नहीं है बच्चा, क्वेश्चन में आएंगे तो 10 मिनट में सारे क्वेश्चन खत्म हो जाएंगे, मगर ये 10 मिनट के क्वेश्चन करने की तैयारी है। एक पर्सन हो गया, और उसका क्या हो गया, इंस्ट्रूमेंट हो गया, वो क्या इंस्ट्रूमेंट यूज करता है। जैसे कि मैं ऑथर की बात करूं, तो ऑथर कौन सा इंस्ट्रूमेंट को यूज करेगा, डेफिनेटली ऑथर को जरूरत पड़ेगी पेन की, वो मार्केट से पेन खरीदने जाएगा कि भाई हमें लिखना है, ऑथर है वो, ठीक है। अब देखो, अगर मैं ब्रेव की बात करूं, तो ब्रेव किसका यूज करेगा भाई, ब्रेव की, ब्रेव का यूज क्या होगा, इंस्ट्रूमेंट की बात कर रहे हैं बच्चा, बुक इज नॉट द इंस्ट्रूमेंट, ठीक है। हाँ ठीक है भाई, भाई सही है, बढ़िया, ठीक है, पेन हमारा करेक्ट आंसर होगा। ब्रेव क्या खरीदेगा, स्वॉर्ड खरीदेगा, SWORD, ठीक है, ब्रेव हमारा स्वॉर्ड खरीदेगा, नहीं चाकू नहीं खरीदेगा, चाकू नहीं खरीदेगा, ठीक है, चाकू तो कुक खरीदेगा, ब्रेव अगर चाकू से लड़ने जाएगा तो हार के नहीं चलाएगा, कैसी बातें कर रहे हो तुम लोग। चलो अब तुमने चाकू का नाम दे दिया, तो चाकू को मैं इधर भेज देती हूँ, ठीक है। कुक क्या करेगा, कुक जाके नाइफ खरीदेगा, क्योंकि बिना नाइफ के कुक का काम नहीं चलने वाला। अगर मैं यहाँ पर बात करूं टेलर की, तो टेलर क्या खरीदेगा, टेलर खरीदेगा निडल, ठीक है, टेलर हमारा क्या खरीदेगा, निडल खरीदने वाला है। डॉक्टर की बात करूं, ठीक है, डॉक्टर की बात करूं, तो ये क्या खरीदेगा, स्टेटोस्कोप खरीदेगा, स्टेटोस्कोप, ठीक है, जो आला होता है जिससे वो हार्ट बीट चेक करता है, ठीक है, तो ये हमारा खरीदेगा। चलो भाई ठीक है, बच्चे नाइफ बना के भेज रहे हैं, निडल सुई भी बना के भेज दो, स्टेटोस्कोप हमारा डॉक्टर खरीदेगा, ठीक है। तो ये हमारे पास आ गया। इसके बाद अब हम बात करेंगे डिफरेंट डिफरेंट फील्ड की, और उससे रिलेटेड उसकी क्लास की, ठीक है। तो ये हमें ऑथर, पेन, ब्रेव, सॉर्ट, क्विक, कुक, नाइफ हो गया, टेलर, निडल हो गया, डॉक्टर, स्टेटोस्कोप हो गया। अब हम लोग किसकी बात करने वाले हैं, डिफरेंट डिफरेंट फील्ड की,
और उस फील्ड के क्लास की बात करेंगे कि वो फील्ड जो है वो किस क्लास से रिलेटेड है। अभी जैसे मैं लिखना स्टार्ट करूंगी आपको समझ आ जाएगा, यहां पर मैं लिखूंगी फील्ड, ठीक है, और यहां पर मैं लिखूंगी उसका क्लास। जैसे कि मैं पैथोलॉजी की बात करूं, ठीक है, तो पैथोलॉजी किस से रिलेटेड है, पैथोलॉजी इज रिलेटेड विद दी, हाँ, मगर डॉक्टर के फोटो जब आप देखोगे तो उसमें सिर्फ एक ही इंस्ट्रूमेंट आपको दिखने को मिलेगा, दैट इज योर स्टेटोस्कोप, आला जिसे बोलते हैं हिंदी में, ठीक है। तो आला हमारा क्या हो जाएगा, इसका मेन इंस्ट्रूमेंट हो जाएगा, ठीक है भाई। तो ऐसे तो लाइक अगर आप थोड़ा सा और कॉमन सेंस यूज करोगे तो बहुत सारी चीजें बाहर निकल के आती हैं। जैसे कुक है, अब सिर्फ चाकू से तो खाना बना नहीं लेगा, उसको नाइफ भी, उसको बाकी सारे मसाले भी चाहिए होंगे, उसको स्टोव भी चाहिए होगा, तो वो नहीं कर सकते ना। तो हम लोगों के स्टडी के हिसाब से थोड़ा सा चीजों को सिंप्लीफाई करना पड़ेगा, ठीक है। आप बोलोगे कि मैम बिना भगोने के कैसे खाना बनाएगा, हाथ पे बनाएगा क्या, तो भगोना भी उसका इंस्ट्रूमेंट हो गया। तो देर आर लॉट्स ऑफ इंस्ट्रूमेंट ऑफ द कुक, बट उसमें से एक मेन हमारा क्या होगा, नाइफ हो जाएगा, ठीक है। हाँ, तो यहां पर देखो क्लास की अगर हम लोग बात करें तो इसकी क्लास बेसिकली क्या है, इलनेस। इसकी क्लास क्या है, इलनेस। पैथोलॉजी किससे रिलेट करती है, बीमारियों की क्लास से रिलेट करती है, पैथोलॉजी इज रिलेटेड विद द इलनेस। अगर मैं यहां पर बात करूं कार्डियोलॉजी, ठीक है, तो कार्डियोलॉजी किससे रिलेटेड है, कार्डियोलॉजी इज रिलेटेड विद द हार्ट, ठीक है, दिल से रिलेटेड है। तो कार्डियोलॉजी की जो क्लास हो जाएगी वो आपका हो जाएगा हार्ट, ठीक है। इसके बाद अगर मैं जूलॉजी की बात करूं, तो जूलॉजी किससे रिलेटेड है, जूलॉजी इज रिलेटेड विद द एनिमल्स, ठीक है, ये किससे रिलेटेड है, इसकी क्लास क्या होती है, जूलॉजी में हम लोग एनिमल्स को कवर करते हैं। उसके बाद अगर हम लोग पामिस्ट्री की बात करें, पामिस्ट्री की, तो पामिस्ट्री किससे रिलेटेड है भाई, कोई बता सकता है, पामिस्ट्री इज रिलेटेड विद द फ्यूचर प्रेडिक्शन, ठीक है ना, प्लांट से नहीं एनिमल से, ठीक है। पिंटू कुमार कह रहे हैं प्लांट से जूलॉजी रिलेटेड है, अब मुझे समझ आया कि आपको एकदम भी बॉटनी और जूलॉजी का कोई भी ज्ञान नहीं है, ठीक है। जब धोखा देकर चली जाए तो कार्डियोलॉजी, बड़े बड़े आप लोग खूब बढ़िया अपना टाइप कर रहे हो, मैम आप ही सोच रहे हो मैम तो लिख ही रही है, हमें तो वैसे भी सिर्फ बोलना ही है, प्रेडिक्शन से, ठीक है। तो फ्यूचर प्रेडिक्शन हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं, फ्यूचर प्रेडिक्शन। देखो आप लोग जितना भी मस्ती मजाक करो मगर ये टॉपिक निकलना नहीं चाहिए माइंड से, ठीक है। अभी आपको लग रहा है कि क्या फालतू का चल रहा है, ये तो बड़ा इजी इजी है, मगर आगे जाके जब क्वेश्चंस आएंगे तो छोटा सा भी पॉइंट अगर मिस हुआ आपके दिमाग से तो क्वेश्चन आपका रह जाएगा, ठीक है। तो ये हमारे पास ये सारी चीजें हो गई, ठीक है। अब हम लोग एक और यहाँ पर बनाते हैं, देखो सब एक ही क्लास में करना है, वरना हम लोग क्या कर सकते थे, अलग अलग फील्ड पढ़ के अलग अलग क्वेश्चन कर सकते थे, मगर दिस इज द मास्टर क्लास, हमें सब कुछ कवर करना है, ठीक है। अब यहां पर हम क्या लिखेंगे, सब्सटेंस लिखेंगे, सब्सटेंस हो गया, और उससे रिलेटेड उसका मैन्युफैक्चर्ड आइटम हो गया, मैन्युफैक्चर्ड आइटम, ठीक है। तो जैसे कि अगर मैं थ्रेड की बात करूं, ठीक है, तो थ्रेड का जो मैन्युफैक्चर्ड आइटम होता है वो क्या होता है, थ्रेड का मैन्युफैक्चर्ड आइटम होता है आपका क्लोथ, ठीक है, क्लोथ बनाए जाते हैं थ्रेड से। अगर मैं ग्लास की बात करूं, ठीक है, तो ग्लास से क्या बनता है, ग्लास से मिलकर प्रिज्म बनता है, ठीक है, ग्लास का मैन्युफैक्चर्ड आइटम हमारे लिए क्या होगा, प्रिज्म होगा, हाँ ठीक है। आई एम नॉट इग्नोरिंग क्योंकि ऐसा कुछ मुझे दिख नहीं रहा है, ओके चलो ठीक है भाई। अभी आप लोग टॉपिक पे रहो, यही वाले ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि वैसे भी ये बहुत हेक्टिक टॉपिक है, ठीक है। अगर मैं यहाँ पर ब्रिक्स की बात करूं, ठीक है, ब्रिक्स का मतलब क्या होता है, ईंट, तो ब्रिक्स से फाइनल मैन्युफैक्चर्ड आइटम हमारा क्या होता है, वॉल होती है, ठीक है, फाइनल मैन्युफैक्चर्ड आइटम आपका वॉल हो जाएगा। तो थ्रेड से हमने कपड़ा बना लिया, ग्लास से हमने प्रिज्म बना लिया, ब्रिक्स से हमने क्या बना लिया, वॉल बना लिया। अगर मैं यार्न की बात करूं तो यार्न से क्या बनता है, जल्दी से मुझे बताइए, यार्न से क्या बनेगा, आंसर करो इस बात का, यार्न से क्या बनेगा, थ्रेड बनेगा, थ्रेड, ठीक है ना, यार्न से क्या बनेगा, थ्रेड बनेगा। अगर मैं सीड्स की बात करूं तो सीड्स से क्या बनाया जाता है, सीड से हम लोग ऑयल को एक्सट्रैक्ट करते हैं, जैसे कि आपका आलमंड सीड्स हो गई तो उससे आलमंड ऑयल बनता है, ठीक है ना। इसी तरीके से आपका सरसों की जो सीड्स होती हैं उससे क्या बनेगा, सरसों का तेल बनेगा। तो यहां पर हम लोग लिख सकते हैं इसे सीड्स से हम लोग क्या करते हैं, ऑयल को बनाते हैं, ऑयल को, ठीक है। आगे चलो भाई, अगर हम लोग लेदर की बात करें तो लेदर से हम लोग क्या बनाएंगे, शूज बना लेंगे, ठीक है, लेदर से हम लोग शूज बना लेंगे। अगर मैं यहां पर वुड की बात करूं तो सब्सटेंस हमारा वुड हो गया, और इसकी हेल्प से जो मैन्युफैक्चर्ड आइटम होगा वो बच्चा क्या होगा, डेफिनेटली वुड से आप फर्नीचर बनाने वाले हो, ठीक है,
फर्नीचर बनाने वाले हो। अब देखो, अगर आप यहाँ पर देखोगे तो आप बोलोगे कि आजकल तो भाई लेदर की जैकेट भी आती है, लेदर का कैप भी आता है, पर्स भी आता है, बेल्ट भी आती है, देयर आर नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स विच आर मैन्युफैक्चर्ड बाय द लेदर। बट हमें क्या याद रखना है कि लेदर से हमारा शूज बनाया जाता है। अब इससे अलावा अगर कुछ ऑप्शन में दिखता है तो आप टिक कर सकते हो, ऐसा मैं नहीं कह रही हूं कि ऐसा हो नहीं सकता, ठीक है। बट अभी रिलेटेबल अगर हम लोग देखें तो लेदर से हमने क्या बनाए, शूज बनाए, ठीक है। और आगे चलते हैं, इसी में ही इसको ऐड करते हैं, ठीक है, यहीं पर ही वापस और थोड़ा सा ऐड करते हैं क्योंकि कुछ ही चीजें बची हैं, वो यहाँ पर एडजस्ट हो जाएंगी। अब यहाँ पर देखो भाई, वुड हो गया। अगर हम लोग मिल्क की बात करें, ठीक है, तो मिल्क के लिए देयर आर नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स जो हम लोग मिल्क से क्रिएट करते हैं। कुछ प्रोडक्ट हम लोग लिख सकते हैं जैसे कि बटर हो गया, ठीक है, और मिल्क से क्या बनाते हैं, बटर के अलावा घी बनाते हैं, ठीक है, घी बनाते हैं, घी बनता है, और क्या बनता है, चीज भी बनती है, ठीक है ना। अब डोमिनोज के पिज्जा पर मत पहुंच जाना, ठीक है, चीज भी बनती है। और इसके साथ और हम लोग यहाँ पर क्या बना सकते हैं, लाइक कर्ड भी बनाते हैं, ठीक है, कर्ड भी बनाते हैं। तो देयर आर नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स जो हम लोग मिल्क से मैन्युफैक्चर्ड करते हैं। अगर मैं यहां पर ओर की बात करूं तो ओर से हमारा क्या बनता है, ओर से हमारा बनता है मेटल, ठीक है, जैसे कि आपके ऑक्साइड्स के ओर होते हैं, ठीक है, जिससे आप लाइक सारी चीजें मेटल वगैरह बनाते हो, आयरन बनाते हो। तो देयर आर नंबर ऑफ मेटल, पनीर बनता है, देखो है, एक बच्चा पहुंच गया, पनीर के ऊपर स्वीट्स बनते हैं, ठीक है, ठीक है, बस बस बस, अब मुंह में पानी आ जाएगा इतना मीठा मीठा सुन के, ठीक है, अभी बात नहीं करते हैं, चलो आगे चलते हैं। अब एक और टेबल बनाएंगे और यहां पर हम लोग क्या लिखने वाले हैं, यहां पर हम लोग लिखने वाले हैं भाई क्या, यहां पर मस्कुलाइन, ठीक है, यहां पर मस्कुलाइन रहेंगे और यहां पर फेमिनाइन, ठीक है, फेमिनाइन। जैसे कि अगर हम बात करते हैं फादर की, तो मस्कुलाइन में अगर फादर है तो फेमिनाइन में कौन होगा, जल्दी से मुझे बताइए, जल्दी से मुझे बताइए कि अगर मस्कुलाइन में फादर है तो फेमिनाइन में कौन जाएगा, मदर चली जाएंगी, भेज दो भाई मदर को इधर, ठीक है। अगर मस्कुलाइन में किंग है तो फेमिनाइन में कौन जाएगा, आज बोर लग रहा है, ठीक है भाई, क्या करा जाए, कुछ चैप्टर्स ऐसे होते हैं लाइक जिसमें थोड़ा सा आपको समझना पड़ेगा, ठीक है, देयर इज नो ऑप्शन। अब मैं ये छुड़वा दूं, डायरेक्ट क्वेश्चन में आ जाऊं तो दिक्कत होगी, ठीक है, हाँ ये कर सकते हैं, इसको थोड़ा फास्ट कर लेते हैं, ठीक है। अगर यहां पर हीरो है तो डेफिनेटली फेमिनाइन में क्या हो जाएगा, हीरोइन हो जाएंगी, ठीक है, हीरोइन को भेज दो। अगर यहां पर नेफ्यू है, ठीक है, अगर यहां पर नेफ्यू है तो यहां पर क्या हो जाएगा, नीज हो जाएगी, ठीक है, नीज हो जाएगा। इसके बाद अगर यहां पर सन है तो यहां पर क्या होगा, डॉटर हो जाएगा, ठीक है। अगर यहां पर डॉग है तो यहां पर क्या हो जाएगा, बिच हो जाएगा, ठीक है, बिच हो गया। इसी के साथ अगर ग्रैंडफादर है तो ग्रैंड मदर, अब यहां पर इंपॉर्टेंट वाला लिख लो, फॉक्स हो जाएगा, तो यहां पर क्या हो जाएगा, विक्सन हो जाएगा। अगर लॉइन है तो क्या होगा, लॉइनस हो जाएगा, ठीक है, लॉइन का क्या होगा, लॉइनस हो जाएगा, ये भी यहां पर लिख देती हूं, अगर लॉइन है तो यहां पर क्या होगा, लॉइनस हो जाएगा। तो ये आपको यहां पर ध्यान रखना है। तो यहां पर हमने क्या कवर कर लिया, मस्कुलाइन एंड फेमिनाइन। और चलो भाई आगे, अब यहां पर हम लोग वर्ड और उसके एंटोनियम्स को याद रख सकते हैं, ठीक है, वर्ड्स और उसके एंटोनियम्स। तो अगर मैं यहां पर कुछ वर्ड्स लिखूं, ध्यान से देखिएगा, अगर मैंने यहां पर कुछ वर्ड्स लिखे, ठीक है, और उसके मैंने क्या लिखे, एंटोनियम्स लिखे, एंटोनियम्स, ठीक है। तो सबसे पहला वर्ड मैं लिखती हूं लव, तो लव का एंटोनियम्स क्या होगा, जस्ट ऑपोजिट क्या होगा लव का, जल्दी से मुझे बताइए, लव का सब जस्ट ऑपोजिट क्या हो जाएगा, हेट हो जाएगा, प्यार और नफरत, ठीक है, ये दोनों साथ साथ हैं। अगर मैं यहां पर बात करूं लेबोरियस, ठीक है, लेबोरियस, ठीक है, बहुत मेहनती, तो उसका जस्ट ऑपोजिट क्या होगा, लेजी, बहुत काहिल इंसान, ठीक है, तो लेबोरियस का ऑपोजिट क्या हो गया, लेजी हो गया। अगर आप गुड का ऑपोजिट देखोगे तो क्या हो जाएगा, बैड हो जाएगा, ठीक है। होप का ऑपोजिट देखोगे तो क्या हो जाएगा, डिस होप हो जाएगा, डिस होप हो गया, ठीक है। इसी के साथ हैप्पी है अगर कोई तो उसका एंटोनियम क्या होगा, उसको सैड कर दो, सैड हो गया, ठीक है। अगर मैं यहां पर अटैक की बात करूं तो एक होता है अटैक करना और उसका जस्ट ऑपोजिट क्या हो जाता है, डिफेंस करना, ठीक है, डिफेंस हो जाएगा जस्ट ऑपोजिट, ठीक है, डिस हो गया, सैड हो गया, अटैक का क्या हो जाएगा, डिफेंस हो जाएगा, ठीक है। कोई जीतता है तो विन कहते हैं, कोई हारता है तो लूज कहते हैं, ठीक है, हार गया। इसी के साथ अगर कोई बर्थ है, कोई पैदा हो रहा है तो कोई मरेगा, तो बर्थ का किससे रिलेशन हो जाएगा, डेथ के साथ, ठीक है, कोई कोई पैदा हुआ है तो कोई मर गया है, जस्ट ऑपोजिट।
ब्यूटीफुल का क्या होगा? अगली. स्ट्रॉन्ग का क्या होगा? वीक होगा. देर आर नंबर ऑफ वर्ड्स जिसका आप एंटोनिम्स ध्यान रख सकते हो. मैंने कुछ इंपॉर्टेंट लिख दिए हैं जो आपको रेगुलर क्वेश्चंस में देखने को मिलेंगे. ठीक है, अब इसके बाद हम लोग बात करेंगे कुछ पर्संस की और उनके ड्वेलिंग प्लेसेस की. ठीक है, कुछ पर्संस की और उनके ड्वेलिंग प्लेसेस की. तो जरा ध्यान से देखो, बस थोड़ा ही बचा है. ठीक है, और ये इंपॉर्टेंट है, इस वजह से लिखवा रही हूं. यहां पर हम लोग लिखेंगे पर्सन, ठीक है, और उनके ड्वेलिंग प्लेस. ठीक है, तो अगर हम लोग किंग की बात करें तो किंग कहां रहते हैं? जल्दी से मुझे बताइए, किंग कहां रहेंगे? किंग रहने वाले हैं पैलेस में. ठीक है, किंग कहां रहेंगे? किंग हमारे पैलेस में रहते हैं. अगर मैं यहां पर बी की बात करूं, बी का मतलब क्या होता है? मधुमक्खियां. ठीक है, मधुमक्खियां, किंगडम भी बोल सकते हैं. वेरी गुड. किंग का क्या हो जाएगा? किंगडम. ये भी लिख सकते हैं महल, किंगडम, इसको भी ऐड कर लो, किंगडम. ठीक है, बी कहां रहने वाली है? जल्दी से मुझे बताइए, बी हमारी रहती है हाइव्स में. ठीक है, छत्ते में, हाइव्स में रहती है. इसी के साथ अगर मैं यहां पर पिजन की बात करूं तो पिजन कहां पर होगा? केज में. ठीक है ना, पिजन कहां रहने वाला है? केज में. हनीकॉम्ब स्ट्रक्चर होता है. ठीक है, हाइव बोलते हैं मधुमक्खी के छत्ते को, हाइव बोलते हैं. तो बी हाइव आप याद रख सकते हो, पिजन हमारा केज में रहता है. अगर डॉग की बात करूं तो डॉग कहां रहता है? बताओ भाई, जल्दी से मुझे बताइए, डॉग कहां रहेगा? डॉग नहीं, ये तो पिजन हो गया जो केज में होता है. डॉग हमारा नेस्ट में रहेगा, कैनल में. ठीक है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? कैनल. डॉग हमारा रहता है कैनल में. अगर लॉइन की बात करें तो लॉइन किस में रहता है? डेन में. ठीक है, डेन में हमारा लॉइन रहता है, होम. ठीक है, हाँ, कैनल बोल सकते हैं, घर पे भी रहते हैं, बाहर भी रहते हैं. बट अभी हम लोग यहां पर क्या याद रखेंगे? डॉग का ड्वेलिंग प्लेस क्या होगा? कैनल होने वाला. ठीक है, लॉइन का क्या हो गया? डेन हो गया. सोल्जर्स की अगर हम लोग बात करें, तो ये किस में होते हैं? बैरक में. ठीक है, ये किस में रहते हैं? बैरक में. लाइक इट इज जस्ट लाइक अ बिल्डिंग. ठीक है, जिसको हम लोग बैरक बोलते हैं सोल्जर्स के लिए. ठीक है, चलो आगे चलते हैं. बैरल हो गया, सोल्जर हो गया, देन और क्या बचा? कुछ और चीजें हैं भाई, वो भी लिखनी है. देखो ये सारी चीजें नंबर देके जाती हैं, पढ़ाई तो पूरी ओवरऑल बोरिंग है. बोरिंग है कि नहीं है? किसका कौन ऐसा बच्चा, कोई ऐसा बच्चा है जो मुझसे ये कह दे कि मेरा पढ़ाई करने का बहुत मन करता है? मैं सुबह उठता हूँ तो मैं सोचता हूँ कि काश मैं, लाइक मुझे नींद ही नहीं आती, मैं पढ़ता ही रहता हूँ, मुझे इतना पसंद है. एनीवन जो यहाँ पर बोल दे, कोई ऐसा बच्चा है, प्रिय बच्चा जो मुझे ऐसा बोल दे कि मैं, मेरा पढ़ाई करने का बहुत मन करता है, लाइक मेरी, मेरा मन ही नहीं हटता है उससे. इस टॉपिक में नहीं बोल रहे, मुझे मजा आता है. ये झूठा बच्चा है. ठीक है, ये झूठ बोल रहा है ऑनलाइन क्लास में. बोरिंग है बट करना पड़ेगा. आकाश ने एकदम सत्य भाषा बोल दी है. ठीक है, बोरिंग है मगर करना पड़ेगा. वी कांट डू एनीथिंग, देयर इज नो शॉर्टकट. ठीक है, कोई नहीं है. ये जितने बोल रहे हैं मैं हूं, ये सबसे बड़े झूठे हैं. ठीक है, सब झूठ बोल रहे हैं. चलो भाई, मैड की अगर हम लोग बात करें तो मैड कहां रहेगा भाई? मेंटल हॉस्पिटल में. ठीक है, मैड को कहां भेजेंगे? मेंटल हॉस्पिटल में. तो ये मैड का घर हो गया. ठीक है, इसी के साथ अगर आप काऊ की बात करोगे तो काऊ कहां रहेगी? काऊ पेन में. ठीक है, इसको हम लोग बोलते हैं काऊपन. अगर बर्ड की बात करूं तो बर्ड किस में रहती है? नेस्ट में रहती है. ठीक है, घोंसले में रहती है. तो यहां पर क्या हो गया? ठीक है, ओके भाई, झूठ नहीं बोल रहे हैं कुछ बच्चे. चलो ठीक है, अच्छी बात है. ठीक है, चलो नेस्ट में हो गया, बढ़िया है. काउपेन हो गया, बर्ड हमारी नेस्ट में रहती है. स्पाइडर की अगर हम लोग बात करें तो स्पाइडर किस में रहेगा? नेट में. ठीक है, स्पाइडर हमारा नेट में रहता है. ये बहुत सारे बच्चों को नहीं पता होगा तो उनको ये वाला जो टेबल हम लोग जनरेट कर रहे हैं ये उनको याद करना पड़ेगा अच्छे से. अगर हम लोग हॉर्स की बात करें तो हॉर्स कहाँ रहेगा भाई? स्टबल में. ठीक है, तो स्टबल हो गया हॉर्स के लिए. मौलवी कहाँ रहेंगे भाई, जरा बता दीजिए. मौलवी को कहाँ भेज दूं? जल्दी से बताइए मुझे, मौलवी कहाँ रहेंगे? मौलवी रहेंगे मस्जिद में. ठीक है, मस्जिद में रहेंगे मौलवी, हमारे मस्जिद में रहेंगे. स्पाइडर वेब, हाँ नेट भी बोल सकते हैं इसको, वेब भी बोल सकते हैं. ठीक है, वेब भी बोल सकते हैं, बहुत आर से कहीं भी रहेंगे, मस्जिद में रहेंगे. ठीक है, चलो भाई, तो ये हमारे पास क्या आ गया? पूरी रिलेशन आ गई. अब हम लोग बात करेंगे कुछ डिफरेंट रिलीजन्स की
ठीक है, रिलीजियस होंगे नहीं मगर पढ़ेंगे रिलीजन की, क्योंकि कोई भी जरूरत नहीं है रिलीजियस होने की, ठीक है। चलो भाई, यहां पर हम लोग लिखते हैं रिलीजन, और यहां पर हम लोग लिखेंगे उनका प्लेस ऑफ वर्शिप, ठीक है, वो कहां पर पूजा पाठ करते हैं या दुआ सलाम करते हैं, ठीक है। व्हाट इज मौलवी, जैसे कि पंडित होते हैं हिंदुओं में, वैसे मुस्लिम्स में मौलवी होते हैं, ठीक है। तो ये भाई है कुछ चक्कर, तो इसको समझ लीजिएगा। अगर मैं बात करूं हिंदू की, ठीक है, तो हिंदू का प्लेस ऑफ वर्शिप क्या होगा, ठीक है। हाँ, फॉर दी स्टूडेंट्स, ठीक है, आर स्टडी इज आर वर्शिप, आर स्टडी इज आर वर्शिप, ठीक है। ये चीज हमेशा ध्यान रखिए, और ऑलवेज बी पॉजिटिव, इन सब में मत पड़ा करिए, बहुत गंदी चीज है ये, ठीक है। तो हिंदू कहाँ जाएंगे, हिंदू टेम्पल में जाएंगे पूजा करने, ठीक है। अगर मैं सिख की बात करूं तो सिख कहाँ जाएंगे, सिख जाने वाले हैं गुरुद्वारा में, ठीक है, गुरुद्वारा बने होते हैं उसमें जाएंगे सिख लोग पूजा पाठ करने। इसी के साथ अगर हम लोग पारसी की बात करें कि पारसी कहाँ जाएंगे, पारसी हमारे जाएंगे फायर टेम्पल में, ठीक है, फायर टेम्पल जगह होती है पारसियों की तरह, पारसियों के लिए, ठीक है। अगर मैं यहूदियों की बात करूं, ठीक है, कि यहूदी कहां जाएंगे, कोई बता सकता है यहूदी कहां जाएंगे, यहूदियों के लिए होता है काइनगॉग, ठीक है, काइनगॉग, ये उनकी जगह हो गई जहां वो पूजा पाठ करते हैं, यहूदियों के लिए हो गया। अगर मैं क्रिश्चियन की बात करूं, क्रिश्चियन की बात करूं, तो क्रिश्चियन कहां जाएंगे, डेफिनेटली चर्च में जाने वाले हैं, ठीक है। अब देखो ये आपके लिए थोड़ा इंपॉर्टेंट हो गया, क्योंकि हो सकता है ये आपको ना पता हो कि यहूदी कहां जाएंगे, काइनगॉग में, पारसी फायर टेंपल में, ठीक है। क्रिश्चियन कहां जाएंगे, चर्च में जाएंगे। जैनिज्म कहां जाएंगे भाई, जल्दी से बताइए, जैनिज्म कहां जाएंगे, ये भी टेंपल में जाते हैं, ठीक है, ये भी आपका टेंपल में जाएंगे। उसके बाद अगर हम लोग बात करें बुद्धिज्म, तो बुद्धिज्म कहां जाएंगे, जो बुद्धिज्म रिलीजन को फॉलो करते हैं वो कहां जाएंगे, यहूदी इसराइल में जाएंगे। देखो भैया, इन लोगों को पूरी न्यूज रखते हो तुम लोग, हैं सारी चीजों की। चलो भाई, इनको इसराइल ना भेज के अभी काइनगॉग में भेज देते हैं, ठीक है, काइनगॉग में भेज देते हैं। तो जैनिज्म कहां जाएंगे, टेंपल में। बुद्धिज्म कहां जाएंगे, बुद्धिज्म हमारे कहां जाएंगे, विहार बोलते हैं, ठीक है। इनकी प्लेस ऑफ वर्शिप को क्या बोलते हैं, विहार, ठीक है। इसके बाद कौन हो गया, लास्ट बचे हैं इस्लाम, ठीक है। रिलीजन क्या हो गया, इस्लाम हो गया। तो ये कहां जाएंगे, ये आपके जाएंगे मस्जिद में, ठीक है। तो ये आपको यहां पर याद रखना है, ये आपके जाएंगे मस्जिद में, नहीं टेंपल में मत भेजना, झगड़ा बवाल हो जाएगा, ठीक है। अपन लोगों को बवाल नहीं कराना है। अभी देखी थी ना पीके पिक्चर, उसमें क्या हुआ था, दौड़ा लिया गया था भाई आमिर खान को। तो हिंदुओं को टेंपल में भेजिए, सिख को गुरुद्वारा में भेजिए, पारसी जो है उनको फायर टेंपल में वर्शिप करने के लिए भेजिए, यहूदियों को काइनगॉग में भेजिए, क्रिश्चियन को चर्च में जाने दीजिए, जैनिज्म को टेंपल में, बुद्धिज्म को विहार में, और इस्लामिक लोगों को मस्जिद में जाने दीजिए, ठीक है। या कह सकते हैं मॉस्क, ठीक है, मॉस्क भी लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मस्जिद / मॉस्क, बोथ आर साइनोनियम्स, ठीक है, बोथ आर सेम, दोनों का मतलब सेम होता है। चलो आगे चलते हैं, ये हमारा कंप्लीट हो गया। अब एक लास्ट हमारा बचा है, छोटा सा यहां पर बनाएंगे टेबल, इसको कंप्लीट करने के बाद वी विल गो फॉर दी न्यूमेरिकल्स, ठीक है। न्यूमेरिकल करने में हमें ज्यादा टाइम नहीं लगेगा ठीक है। तो पहला हम लोग यहां पर लिखेंगे रिलीजन, ठीक है, और उनकी बुक, ठीक है, याद रखना। यहां पर हम लोग क्या लिखेंगे, यहां पर हम लोग लिखेंगे रिलीजन, और यहां पर लिखेंगे उससे रिलेटेड बुक कौन सी है। तो ये इंफॉर्मेशन हमारे लिए अच्छी होगी, जनरली भी अच्छी होगी और रीजनिंग के लिए भी अच्छी होगी। जैसे कि सबसे पहले मैं बात करती हूं जैनिज्म की, ठीक है। तो जैनिज्म में कौन सी बुक यूज होती है, जल्दी से मुझे बता सकता है कोई, सबको अपने घर भेजिए, ठीक है, सब लोग अपने अपने घर जाना मेरी क्लास करने के बाद। और देखो अभी तक वीडियो को लाइक नहीं करा, 41 लोग लाइव देख रहे हो, ठीक है, और 37 कितने लाइक्स है, 37, क्या करते हो, अंधेर मतलब है, गजब भेज देती है मेरी, बहुत खतरनाक वाली। बुक की मैं बात कर रही हूँ, ठीक है। देखो अंकित सिंह कह रहे हैं कि जैनिज्म लोगों को कुरान पढ़ा दो, भैया क्या कराओगे तुम लोग, दंगे कराएंगे क्या आप, बोलता नहीं है उसमें, नहीं पता। तो याद रखो इनकी जो बुक होती है उसको हम लोग बोलते हैं जैन शास्त्र, ठीक है, जैन शास्त्र, ये याद रखिए। चलो थैंक यू वेरी मच। जैनिज्म किससे रिलेटेड है, जैनिज्म से रिलेटेड जो बुक है वो है आपकी जैन शास्त्र। इसके बाद हमारे आते हैं पारसी, तो पारसी कौन सी बुक पढ़ते हैं, इनका होता है जिंदा
अवेस्टा, ठीक है, जिंदा अवेस्टा, ये इनकी बुक का नाम है। पारसी कौन सी बुक पढ़ेंगे, कुछ देखो जो भी इंपॉर्टेंट लगे, जिसको आपको लगता है याद रखना है, जस्ट टेक द स्क्रीनशॉट। जैसे कि ये वाला मुझे लग रहा है मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाला है आपके लिए अब तक का। तो जैनिज्म, जैन शास्त्र, पारसी पढ़ेंगे, जिंदा अवेस्टा, इसके साथ हिंदू की अगर हम लोग बात करें, अगर हिंदू रिलीजन की आप बात करोगे, ठीक है, कई बार सनातन भी दे सकता है तो वो भी आपका हिंदू रिलीजन ही होगा। इसमें हम लोग पढ़ते हैं दो चीजें, एक तो होती है आपकी रामायण, ठीक है, एक तो आपकी हो गई रामायण, दूसरे हो गए हमारे वेद, ठीक है। कितने वेद होते हैं पता है किसी को, हाउ मेनी वेद आर देयर? भगवत गीता, हाँ, वेदास इंपॉर्टेंट है बेसिकली, रामायण होगी, वेदा होगी और भगवत गीता हो गई, ठीक है, भगवत गीता भी आप कर सकते हो। टोटल चार हैं, चारों के नाम पता है, बहुत टफ है मत लिखना, ठीक है, परेशान हो जाओगे, मैं समझ गई आप लोगों को पता है, बहुत बढ़िया। आकाश कह रहे हैं आठ हैं, ठीक है, इन्होंने चार अपने बनाए लग रहा, चलो ठीक है। मुस्लिम्स में अगर हम लोग बात करें तो मुस्लिम्स की कौन सी बुक होती है, अगर कोई भी रिलीजन मुस्लिम है तो वो लोग पढ़ते हैं कुरान, ठीक है, ये आपका हो गया ऋग, हाँ, यजुर्वेद, बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो मुस्लिम को क्या पढ़ेंगे, कुरान पढ़ेंगे। सिख क्या पढ़ेंगे, सिख को भी कुछ पढ़ा देते हैं भाई, ये पढ़ेंगे गुरु ग्रंथ साहिब, ठीक है, इनका बुक का नाम क्या होता है, गुरु ग्रंथ साहिब, गुरु ग्रंथ साहिब, ठीक है, ये आपको यहां पर रखना है। हाँ, कुरान हदीस, लाइक मेनली कुरान होती है, वो उसमें मेनली रामायण होगी और आपके वेद हो गए चारों, तो वो मैंने यहाँ पर मेंशन कर दिए, ठीक है, गुरु ग्रंथ साहिब इसे बोलते हैं। अब सिख के बाद कौन आएगा, क्रिश्चियन आएंगे। तो क्रिश्चियन कौन सी किताब पढ़ते हैं भाई, इनकी बढ़िया किताब बाइबल, ठीक है, बाइबल ये लोग पढ़ते हैं। उसके बाद हमारे क्या होते हैं, यहूदी। तो यहूदी कौन सी बुक पढ़ते हैं, कोई बता सकता है मुझे, यहूदी क्या पढ़ेंगे, जल्दी से मुझे बताइए। अगर मैं यहां पर यहूदी की बात करते हैं तो यहूदी कौन सी बुक पढ़ते हैं, जल्दी से बताइए। अच्छा जम, अच्छा जाम गुरु ग्रंथ साहिब, ओके, हाँ, जल्दी से मुझे बताइए कि यहूदी कौन सी किताब पढ़ते हैं, तौरात, जबूर, ओके, बढ़िया, बहुत बढ़िया, इनको लिख देते हैं तौरा, ठीक है, इनकी बुक का नाम क्या होता है, तौरा, ठीक है, ये यहूदी पढ़ते हैं। उसके बाद बात आती है बुद्धिज्म की, बुद्धिज्म कौन सी किताब पढ़ते हैं, अगर रिलीजन आपका बुद्धिज्म है तो वो कौन सी किताब पढ़ेंगे, तौरात एंड ज़बूर, हाँ, ये लिख सकते हो, बट अगर आप रीजनिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से देखोगे तो आपको सिर्फ तौरा ही देखने को मिलेगा, तो तौरा आपको यहां पर याद रखना, ठीक है। तो इतने सारे लोग हैं, इतने सारे रिलीजन हैं जो आपके पूरे वर्ल्ड वाइड एग्जिस्ट करते हैं और उनकी इतनी सारी किताबें हैं, ठीक है, और हर रिलीजन का एक किताब के साथ एक इमोशन कनेक्टेड है, इसीलिए हर इंसान एक इमोशंस के साथ कनेक्टेड रहता है, ठीक है। हाँ, बुद्धिज्म हमारे कौन सी किताब पढ़ेंगे, इनकी किताब का नाम है धम्मपद, ठीक है, धम्मपद, ये आप याद रखिएगा। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो सारे के सारे बच्चे फटाफट, ठीक है, दो तीन बार इसको जब भी टाइम हो बस देख लेना कि रिलीजन और उनकी बुक, ठीक है। तो अगर हम लोग जैनिज्म की बात करें तो जैन शास्त्र होता है, पारसी क्या पढ़ते हैं, जिंदा अवेस्टा, हिंदू लोगों के लिए क्या होता है, रामायण हो गया, वेदा हो गया, और वेद हो गए, और आपका हो गया लाइक क्या नाम है उसका, मैं खुद भी नाम भूल जाती हूँ, भगवत गीता हो गई, ठीक है। इसी के साथ मुस्लिम्स क्या पढ़ेंगे, कुरान, सिख के लिए क्या होता है, गुरु ग्रंथ साहिब, क्रिश्चियंस के लिए बाइबल, यहूदियों के लिए तौरा, और बुद्धिज्म के लिए धम्मपद, ठीक है, धम्मपद। हाँ, अभी इतने सारे एग्जिस्ट करते हैं, इनको आपको ध्यान रखना है। तो अभी तक हम लोगों ने जितना भी पढ़ा है ये पूरा कंप्लीट एनालॉजी है, ठीक है, मैंने यहाँ पर कुछ भी नहीं छोड़ा है आपको, मुझे पता है आप लोग बीच में बोर भी हुए हो, स्टिल मैंने कुछ मिस नहीं करा, ठीक है। अगर कोई सारा ही पढ़ ले, अगर कोई सारा पढ़ ले तो लाइक उसके पास बहुत नॉलेज हो जाएगी भाई, अगर कोई ऐसा करता है, और अच्छी बात है, इससे क्या होगा ना, अगर सब लोग एक दूसरे की बुक्स अगर पढ़ लें तो झगड़े खत्म हो जाएंगे, लाइक सब लोग एक दूसरे को समझ जाएंगे और एक इमोशंस कनेक्ट हो जाएगा अदर रिलीजन के साथ भी, तो ये जो गैप है ना, ये जो रिलीजियस गैप है ये खत्म हो जाएगा। तो सारी किताबें पढ़ लो, नहीं हुए बोर, ठीक है। तो पर्सन रिलेटेड फील्ड हमारी हो गई पहले, फिर पर्सन और उसके मैन्युफैक्चर्ड आइटम के ऊपर हमने वर्क करा, देन इंस्ट्रूमेंट और उस इंस्ट्रूमेंट का यूज किस चीज को मेजर करने के लिए होता है वो हमने कवर करा, देन क्वांटिटी और इसकी यूनिट्स को कवर करा,
पर्सन और वो किस इंस्ट्रूमेंट्स के साथ डील करता है वो हमने यहाँ पर कवर करा, जैसे टेलर निडिल हो गया, डॉक्टर स्टेटोस्कोप हो गया, ऑथर पेन हो गया, ब्रेव स्वॉर्ड हो गया, फील्ड हमने देखी और हमने ये देखा कि उस फील्ड में किस क्लास की चीज को डील करा जाता है, जैसे पैथोलॉजी के साथ इलनेस हो गई, कार्डियोलॉजी के साथ हार्ट हो गया, जूलॉजी के साथ एनिमल्स हो गए एंड पामिस्ट्री के साथ फ्यूचर प्रेडिक्शन हो गया, ठीक है। इसी के साथ सब्सटेंस और उनके मैन्युफैक्चर्ड आइटम हो गए, ठीक है। फिर मस्कुलाइन और फेमिनाइन का हमने क्या करा, कॉम्बिनेशन, एक रिलेशनशिप डेवलप करा, वर्ड और उसके एंटोनिम्स को हमने यहाँ पर याद करा, पर्सन और उसके ड्वेलिंग प्लेसेस को हमने यहाँ पर याद करा। तो ये इंपॉर्टेंट है, इसमें आपको भूलने के चांसेस हैं, ये पूरी लिस्ट और ये रिलीजियस हो गए और उनका प्लेस ऑफ वर्शिप हो गया, वो भूलने के आपको चांसेस होंगे, ठीक है। ओके चलो भाई, हाँ एक दूसरे के लाइक बहुत सारे लोग पढ़ते रहते हैं और अच्छी बात है, पढ़ना चाहिए, लाइक इससे एक इंफॉर्मेशन मिलती है जो आपको बहुत काम आती है। अब हम लोग फाइनली चलेंगे क्वेश्चंस के ऊपर और क्वेश्चन नंबर 1 ये रहा आपकी स्क्रीन पर। अब देखो भाई, अभी मैं यहाँ पर बताने जा रही हूँ फर्स्ट क्वेश्चन किस तरीके से क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। तो आपसे पूछता है टू लव इज रिलेटेड टू, एक सेकेंड रुकिएगा, ये टू लव एक साथ है, टू लव इज रिलेटेड टू टू हेट, ठीक है, टू हेट से रिलेटेड है। सिमिलरली टू लव इज रिलेटेड टू व्हाट, इज रिलेटेड टू व्हाट, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आपसे यहां पर पूछा गया, अभी तो मैंने पूरा लिख दिया है क्वेश्चन, बट इसके बाद पूरा नहीं लिखेंगे, थोड़ा थोड़ा लिखेंगे। तो यहां पर देखो, यहां पर दिया है, एक ऑप्शन दिया है टू रिपीट दिया हुआ है, दूसरा ऑप्शन आपको क्या दिया हुआ है, सेकेंड ऑप्शन देखो, बी ऑप्शन आपको दिया हुआ है टू क्राई, ठीक है, थर्ड ऑप्शन आपको सी यहां पर दिया हुआ है टू मॉर्न, या आपको फोर्थ ऑप्शन दिया हुआ है None of the above, ठीक है। तो यहां पर हम लोग कह सकते हैं कि अगर लव का रिलेशन हेट के साथ है, तो पहला मैंने क्या बताया कि दो ऑब्जेक्ट आपको देगा, उनके बीच में रिलेशन आपको गिवन होगा। तो लव और हेट को जैसे ही आपने ऑब्जर्व करा, तो आपके माइंड में एक चीज क्लिक होनी चाहिए कि यहां पर क्या दिया हुआ है, एक ऑब्जेक्ट दिया हुआ है और दूसरा ऑब्जेक्ट उसका क्या है, जस्ट ऑपोजिट है। तो टू लाफ का जस्ट ऑपोजिट हमें ढूंढना है, तो वो डेफिनेटली आपका क्या होगा, टू क्राई होगा। बहुत ज्यादा हंसना का जस्ट ऑपोजिट क्या हो जाएगा, बहुत ज्यादा रोना, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 ये रहा आपकी स्क्रीन पर, आपका बोल रहा है व्हील। अब वही क्वेश्चन वापस से कॉपी करना, ठीक है, यही क्वेश्चन वापस से कॉपी करना, लव की जगह व्हील डालना, और मैं आपको बता रही हूं, आपसे बोल रहा है व्हील का जो रिलेशन है वो किसके साथ दिया हुआ है, व्हीकल के साथ गिवन है, ठीक है। व्हील का रिलेशन व्हीकल के साथ गिवन है, तो आपसे बोल रहा है कि जो क्लॉक का रिलेशन होगा वो किसके साथ होगा, आपको पहला ऑप्शन दे दिया है नेल के साथ, आपको दूसरा ऑप्शन दे दिया है स्टिक के साथ, आपको तीसरा ऑप्शन दे दिया है यहां पर निडिल के साथ, ठीक है, निडिल के साथ दिया है, और आपको चौथा ऑप्शन यानी ऑप्शन डी आपको दिया हुआ है नन ऑफ द अबव। जल्दी से मुझे बताइए किसके साथ होगा, कुशल टाइम तो ऑप्शन में ही नहीं है, ठीक है। तो आपको समझना पड़ेगा, देखो ये क्वेश्चन में क्या गलती होती है, मैं आपको फिर से इस क्वेश्चन में समझाने की कोशिश करती हूं। व्हील किस चीज का काम कर रहे हैं, व्हीकल से रिलेटेड तो बता दिया उसने, मगर पहले वाले स्टेटमेंट से समझने की कोशिश करो कि व्हील क्या काम कर रहा है व्हीकल के अंदर, व्हील व्हीकल को रन कर रहा है। अभी जैसे क्लॉक की अगर आप बात करोगे, तो क्या बिना नेल के क्लॉक टंग सकती है, नहीं टंग सकती। तो क्लॉक और नेल का भी रिलेशन है, ठीक है ना, क्लॉक और नेल का भी रिलेशन है, मगर हमें पहले वाले रिलेशन से यह पहचानना है कि अगर व्हीकल व्हील के थ्रू चल रहा है, रन कर रहा है, तो क्लॉक में डेफिनेटली निडिल के थ्रू ही रन होने वाली, क्लॉक में क्या होगा, निडिल आपकी मूव करेगी, ठीक है। तो निडिल हमारा क्या हो जाएगा, फाइनल आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 में आपसे बोल रहा है अर्थक्वेक जो है, जो आपका अर्थक्वेक है वो किससे रिलेटेड है, वो आपका अर्थ से रिलेटेड है, ठीक है। अर्थक्वेक इज रिलेटेड विद द अर्थ। तो यहां पर आपसे बोल रहा है कि जो थंडरिंग है, ठीक है, ये जो थंडरिंग है ये किससे रिलेटेड होगी, क्वेश्चन मार्क के साथ। अब ऑप्शन देख लो भाई, पहला ऑप्शन आपको दिया हुआ है अर्थ से रिलेटेड होगी,
दूसरा ऑप्शन आपको क्या दिया हुआ है, सी से रिलेटेड होगी। तीसरा ऑप्शन आपको दिया हुआ है कि यहां पर स्काई से रिलेटेड होगी, ठीक है। और चौथा ऑप्शन आपको फिर से नन ऑफ दी अबव दे दिया, नन ऑफ दी अबव। जल्दी से मुझे बताइए, क्लाउड से रिलेटेड होगी, हाँ क्लाउड से रिलेटेड होगा। तो यहां पर देखो अर्थ पर क्या आता है, अर्थक्वेक आता है। तो थंडरिंग कहां होती है, क्या पानी में, समुद्र में थंडरिंग होती है? नहीं होती है, ठीक है। अगर आप ऐसे देखोगे तो अर्थ के अंदर ही थंडरिंग हो रही है, बट रिलेशन चेक करो, अगर अर्थक्वेक अर्थ से रिलेटेड है तो नो डाउट आपकी जो थंडरिंग है वो किससे रिलेटेड होगी, स्काई से रिलेटेड होगी। थंडरिंग कहां होगी, अर्थक्वेक अर्थ पर हो रहा है, तो थंडरिंग हमारी कहां हो रही है, स्काई में हो रही है, ठीक है। अभी एक और क्वेश्चन कराते हैं, चलो भाई एक और क्वेश्चन की तरफ बढ़ो फटाफट। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है। सारा टाइम बस उसमें ही देना था, उसके बाद सब चीजें आसान हो जाएंगी। देखो भाई अगर मैं यहां पर बात करूं ऑथर की, ठीक है, इफ यू टॉक अबाउट दी ऑथर, तो ऑथर अगर राइटिंग से रिलेटेड है, इफ दी ऑथर इज रिलेटेड विद दी राइटिंग, देन थीफ किस से रिलेटेड है, जल्दी से मुझे बताइए थीफ किस से रिलेटेड होगा। देखो भाई थीफ का रिलेशन किससे, अब यहां पर देखो कई सारे आपको ऑप्शन दिए हैं। पहला ऑप्शन दिया है टू नाइट से, ठीक है, टू नाइट से। बी ऑप्शन दिया है टू फील, ठीक है, टू फील दे दिया है। सी ऑप्शन दिया है टू स्टील, ठीक है, और डी ऑप्शन दे दिया है फिर से नन ऑफ दी अबव, ठीक है, नन ऑफ दी अबव। तो अगर ऑथर क्या कर रहा है, राइटिंग का काम कर रहा है, तो थीफ क्या करेगा, चोरी करने का काम करेगा, ठीक है। तो इसका फाइनल आंसर क्या हो जाएगा, टू स्टील। तो क्वेश्चंस बहुत आसान मिलेंगे, बस छोटी छोटी बातें आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। अब आगे देखो, यहां पर नेक्स्ट क्वेश्चन मैं लिखती हूं, ओके नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, बहुत ही बढ़िया सवाल है ये क्वेश्चन, बताओ मुझे, ये करके बताओगे तो मजा आएगी, ठीक है। आपसे बोल रहा है कि जो मैगजीन है, ठीक है, जो मैगजीन है वो आपके किससे रिलेटेड है, एडिटर से रिलेटेड है। मैगजीन इज रिलेटेड विद द एडिटर, इस क्वेश्चन पे थोड़ा ध्यान देना, थोड़ा सा ट्विस्ट है। तो हमारा ड्रामा किससे रिलेटेड होगा, ड्रामा किससे रिलेटेड होगा, अब इसके ऑप्शन सुन लो फिर आंसर करो। हीरो से रिलेटेड होगा, ऑप्शन बी देखो हीरोइन से रिलेटेड होगा, ठीक है, ऑप्शन सी देखो को एक्टर से रिलेटेड होगा, या फिर ऑप्शन डी आपका हो जाएगा नन ऑफ द अबव। जल्दी से मुझे बताइए, ठीक है, जल्दी से मुझे बताइए, यहां पर आंसर करो बच्चा लोग, कि अगर मैगजीन जो है वो एडिटर से रिलेटेड है तो ड्रामा किससे रिलेटेड है। भाई चार ऑप्शन है, हीरो, हीरोइन, को एक्टर, या नन ऑफ द अबव। अच्छा जो भी डी बता रहे हैं, जो भी डी बता रहे हैं वो करेक्ट आंसर फिर बताओ मुझे, ड्रामा एक्चुअली में किससे रिलेटेड होना चाहिए ये बता दो मुझे। जो भी बच्चा डी आंसर कर रहा है वो ये बताए कि ड्रामा एक्चुअली में किससे रिलेटेड होना चाहिए। हीरो से रिलेटेड होना चाहिए, ड्रामा क्वीन से रिलेटेड होना चाहिए। हीरो तो दिया है ऑप्शन में, तो आपने क्यों नहीं यहां पर टिक करा, क्यों नहीं यहां पर टिक करा। एक्टर से रिलेटेड होना चाहिए, अच्छा भाई डायरेक्शन से, ओके। और डायरेक्शन कौन देता है, कुशल, आपने जो लिखा है डायरेक्शन, हु इज प्रोवाइडिंग द डायरेक्शन इन द ड्रामास, ये बताओ मुझे, डायरेक्टर। कुशल पहुंच गया सही जगह पर, कि यहां पर देखो पहले रिलेशन से इसको समझना था, मैगजीन में जो भी गड़बड़ी होती है, मैगजीन की जो भी डायरेक्शन होती है वो कौन देता है, वो एडिटर देता है। एडिटर का काम है कि मैगजीन को सही तरीके से आगे प्रोसीड करें। इसी तरीके से ड्रामा कौन देखेगा, डेफिनेटली हीरो, हीरोइन, को एक्टर, सभी लोग इस ड्रामे में वर्क करेंगे, मगर इसको प्रॉपर प्रोसीजर जो होगा, प्रॉपर प्रोसीड करना जो होगा, वो किसका काम होगा, वो आपके डायरेक्टर का काम होगा, वो डायरेक्टर का काम होगा। इस वजह से ऑप्शन डी आपका क्या हो गया है, ऑप्शन डी विल बी योर करेक्ट आंसर, नन ऑफ द अबव। अगर किसी भी ऑप्शन में डायरेक्टर होता तो नो डाउट हम लोग यहां पर चूज करते डायरेक्टर को, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 देखो, अगर आपका एस्ट्रोनॉमी जो है, ठीक है, इफ एस्ट्रोनॉमी, एस्ट्रोनॉमी इज रिलेटेड टू, एक सेकेंड रुकिएगा, एस्ट्रोनॉमी लिख दिया है मैंने, एस्ट्रोनॉमी इज रिलेटेड टू दी प्लैनेट्स, ठीक है, अगर एस्ट्रोनॉमी आपकी प्लैनेट से रिलेटेड है तो एस्ट्रोलॉजी किससे रिलेटेड है, एस्ट्रोलॉजी, ठीक है, ये आपको यहां पर बताना है, ये आपका क्वेश्चन मार्क हो गया। ऑप्शंस मैं आपको देती हूं, ऑप्शंस के थ्रू बताइएगा, सैटेलाइट से रिलेटेड है, सैटेलाइट से, ऑप्शन बी ले लो फील्ड से रिलेटेड है, ठीक है, फील्ड से रिलेटेड है, या कह सकते हैं लाइक, एक सेकेंड रुकिएगा, डिसीज लिख देते हैं यहां पर, डिसीज ज्यादा बेहतर रहेगा, ठीक है, डिसीज हो गया। ऑप्शन सी आपका हो गया लाइक, यहां पर ऑप्शन सी क्या ले सकते हैं, एनिमल हो गया,
एनिमल हो गया, ठीक है, और ऑप्शन डी हमारा क्या हो जाएगा, सेम, नन ऑफ दी अबव, नन ऑफ दी अबव, बहुत ऑप्शन में आपको नन ऑफ दी अबव देखने को मिलेगा, ठीक है। तो इसमें से मुझे बताइए कि एस्ट्रोनॉमी जो है वो आपका प्लैनेट से रिलेटेड है, ठीक है, बट एस्ट्रोलॉजी किससे रिलेटेड होगा, डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। क्यों डी करेक्ट होगा, बिकॉज इट इज रिलेटेड विद दी फ्यूचर प्रिडिक्शन, ठीक है, इट इज रिलेटेड विद दी फ्यूचर प्रिडिक्शन, सो ऑप्शन डी इज योर करेक्ट आंसर, ऑप्शन डी आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। आगे चलो भाई, अब नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे क्या बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 6 हो गया, नाउ दिस इज योर क्वेश्चन नंबर 7, आपसे बोल रहा है जो मॉस्क है, ठीक है, चाहे मस्जिद बोलिए चाहे मॉस्क बोलिए, इट इज रिलेटेड विद द इस्लाम, ये इस्लाम से रिलेटेड है। तो आपसे बोल रहा है कि जो चर्च है वो किससे रिलेटेड होगा, तो यहां पर ऑप्शन देखो, ऑप्शन ए आपको दिया हुआ है हिंदुइज्म, ठीक है, हिंदुइज्म हो गया, बी आपका दिया हुआ है सिखिज्म, सी आपका दिया हुआ है क्रिश्चियनिटी, ठीक है, और डी आपका दिया हुआ है नन ऑफ दी अब। बताओ मुझे बाइबल से रिलेटेड होगा, देखो गलत अगर रिलेशन बनाओगे तो यहां पर भी गलत तरीके से रिलेट करोगे, चर्च को कैसे आपने बाइबल से रिलेट कर दिया, यहां पर मॉस्क है, यहां पर क्या है, अगर आप पीछे जाओगे तो मैंने आपको क्या समझाया, मैंने आपको यहां पर समझाया कि जो भी रिलीजन है, जैसे कि यहां पर इस्लाम रिलीजन है, तो उसका प्लेस ऑफ वर्शिप मस्जिद है या मॉस्क है, तो यहां पर क्या दिया हुआ है, यहां पर रिलीजन दिया हुआ है, रिलीजन दिया हुआ है, उसके प्लेस ऑफ वर्शिप के बीच में रिलेशन है। तो अगर मॉस्क में इस्लाम, लाइक मुस्लिम जाते हैं, इस्लाम मॉस्क से रिलेटेड है, तो चर्च से कौन रिलेटेड होगा, चर्च से डेफिनेटली क्रिश्चियनिटी रिलेटेड होगी, क्रिश्चियनिटी आपकी रिलेटेड होने वाली है, ठीक है। तो रिलेशनशिप समझना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसे कि एक छोटा सा क्वेश्चन मैं आपको और कराती हूँ, क्वेश्चन नंबर 8 देखिए भाई, अगर आपसे बोलता है कि फुटबॉल जो है वो आपका किससे रिलेटेड है, फील्ड से, ठीक है, फील्ड से रिलेटेड है, तो टेनिस किससे रिलेटेड होगी, टेनिस बताइए मुझे किससे रिलेटेड होने वाला है, देयर आर नंबर ऑफ ऑप्शंस, ऑप्शन ए में आपसे बोल रहा है कोर्ट से, ऑप्शन बी में आपसे बोल रहा है नेट से, ऑप्शन सी आपसे बोल रहा है लाइक यहां पर दे रहा है फील्ड हो गया, और ऑप्शन डी आपका क्या हो जाएगा, नन ऑफ दी अब, बताओ मुझे, ठीक है। तो जिस तरीके से पहले देखो, फुटबॉल कहां पर हो रहा है, फील्ड में हो रहा है, ठीक है, फुटबॉल फील्ड में हो रहा है, तो वहां पर काफी सारी चीजों के अदर इक्विपमेंट्स की भी जरूरत पड़ेगी, मगर रिलेशनशिप को समझिए। तो अगर फील्ड में फुटबॉल होगा तो टेनिस कहां पर होने वाली है, टेनिस आपकी कोर्ट में हो जाएगी, ठीक है, टेनिस कोर्ट में हो जाएगी, सो ऑप्शन ए विल बी योर करेक्ट आंसर, ठीक है। तो बहुत इजी चैप्टर था, मगर सारे चैप्टर रीजनिंग में इजी नहीं है, ट्राई टू अंडरस्टैंड। अब मेरा तो रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि अगर मैंने आपसे पूरी रीजनिंग बोली है तो पूरी कवर कराऊं, ठीक है, मगर ये चीज आपको समझनी है कि भाई लाइक आपको ध्यान से समझना ये बात है कि इसको कवर कैसे करना, जो इजी है उसको इजी वे में करिए, जो टफ है उसमें थोड़ी और प्रैक्टिस करिए, ठीक है। अब देखो भाई आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर मैं लिखती हूँ, क्वेश्चन नंबर 8 हो गया, क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ चलते हैं, ठीक है। अगर मैं यहां पर लिखूं बेल जो है, बेल इज रिलेटेड विद द साउंड, ठीक है, बेल किससे रिलेटेड है, साउंड से रिलेटेड है, हाँ मैरिज भी होती है भाई, बहुत सारी चीजें हैं, मगर हमें सिर्फ लिमिटेड ही पढ़ना है, ठीक है। बेल अगर साउंड से रिलेटेड है तो लैंप किससे रिलेटेड है, ऑप्शन सुन लो भाई फिर आंसर करो, एक दे रहा है फ्लेम से, ठीक है, फ्लेम से, बी दे रहा है लाइट से, सी आपको यहां पर दे रहा है विक से, ठीक है, और डी आपको यहां पर दे रहा है ऑयल से, बताओ मुझे किससे रिलेटेड है, लाइट से रिलेटेड है, ठीक है। तो यहां पर देखो बेल का काम क्या है, साउंड क्रिएट करना, और लैंप का क्या 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 काम है, लाइट क्रिएट करना, ना कि फ्लेम, ठीक है। तो यहां पर आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी विल बी योर करेक्ट आंसर, ठीक है। तो यहां पर ऑप्शन बी आप चूज कर सकते हो, ठीक है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अगर मैं यहां पर लिखूं क्वेश्चन नंबर 10 में कि जो हंगरी है, ठीक है, हंगरी किससे रिलेटेड है, हंगरी इज रिलेटेड टू द फूड, तो यहां पर ये बताइए कि जो आपका थ्रस्टी होगा वो किससे रिलेटेड होगा, थ्रस्टी किससे रिलेटेड है, ऑप्शन ए देखो ड्रिंक से रिलेटेड है, ऑप्शन बी देखो टी से रिलेटेड है, ऑप्शन सी देखो वॉटर से रिलेटेड है, या ऑप्शन डी देखो जूस से रिलेटेड है। जल्दी से मुझे बताइए इसका आंसर क्या होगा, जूस से रिलेटेड है, ठीक है, जल्दी से मुझे बताओ।
अगर हंगरी खाना खाता है तो प्यासा क्या पीता है? कोल्ड ड्रिंक पीता है, चाय पीता है, जूस पीता है या पानी पीता है? पानी पीता है, डेफिनेटली पानी पीता है, ठीक है। वैसे ये तीनों ही पीने की चीज है, ठीक है। प्यास में इंसान तीनों ही पी सकता है, मगर मोस्ट नेसेसरी चीज क्या है प्यास में? हमको कुछ भी हो, पानी दो पहले, ठीक है। पानी पीने के बाद हम इनमें से कुछ भी पी सकते हैं, टी भी पी सकते हैं, ड्रिंक भी और जूस भी, ठीक है। तो ये चीज आपको यहाँ पर ध्यान रखनी है। अभी देखो आगे एक और क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 11 को ध्यान से समझिए, क्वेश्चन नंबर 11, ठीक है। चलो आगे चलते हैं। अब यहां पर हम लोग बात करते हैं निडिल की, ठीक है। निडिल जो है वो आपका रिलेटेड है थ्रेड से, ठीक है, थ्रेड से रिलेटेड है। तो आप बताओ कि पेन किससे रिलेटेड है? पहला ऑप्शन देखो, पहले ऑप्शन सुन लो फिर आंसर करना, वर्ड से। ऑप्शन बी दे रहा है टू राइट, टू राइट, ठीक है। ऑप्शन सी दे रहा है कैप से, या ऑप्शन डी दे रहा है इंक से? जल्दी से मुझे बताओ। बढ़िया सवाल है, बहुत ही बढ़िया सवाल है ये, इसको सोच के आंसर दीजिए, इसको सोच के आप आंसर दीजिए, ठीक है। इंक से रिलेटेड होगा, चलो भाई, ओके, इंक से, ऑप्शन डी, बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो यहां पर देखो थ्रेड में आप, निडिल में आप क्या डालते हो? देयर इज अ होल इन द निडिल एंड आप उसमें क्या करते हो? थ्रेड को पिरोते हो, ठीक है, थ्रेड को डालते हो। तो पेन में आप क्या डालोगे? डेफिनेटली इंक डालोगे, ठीक है। तो इस तरीके से लाइक पहले जो दो ऑब्जेक्ट है उसके रिलेशनशिप को समझिए, देन दूसरे का आप रिलेशनशिप डेवलप कर सकते हो। वरना पेन आपका वर्ड से भी रिलेटेड है, लिखने से भी रिलेटेड है, पेन और कैप का भी रिलेशन है और पेन और इंक का भी रिलेशन है। बट निडिल में आप थ्रेड डाल रहे हो तो पेन में आप इंक डालोगे, ठीक है। तो ऑप्शन डी विल बी योर करेक्ट आंसर। चलो भाई आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 12 आपका हो गया। क्वेश्चन नंबर 12 देखो, आपसे बोल रहा है कि जो फर्नीचर है वो, ये फर्नीचर जो है ये रिलेटेड है बेंच से, ठीक है, बेंच से रिलेटेड है। तो यहां पर बताइए कि स्टेशनरी किससे रिलेटेड होगी, ठीक है, स्टेशनरी किससे रिलेटेड होगी। अब देखो स्टेशनरी में आपको ऑप्शन क्या क्या दिए हुए हैं। पहला ऑप्शन आपको दिया हुआ है गोडाउन, ठीक है। सेकंड ऑप्शन दिया हुआ है रूम, थर्ड ऑप्शन दिया हुआ है पेन, ठीक है, और फोर्थ ऑप्शन दिया हुआ है डी, आपको दिया हुआ है चेयर, ठीक है। अब मुझे बताओ कि क्वेश्चन नंबर 12 में आप मुझे बताइए कि क्या आपका सही होगा, क्या आपका सही होगा। फर्नीचर अगर बेंच से रिलेटेड है तो स्टेशनरी किससे रिलेटेड होगी? गोडाउन से, रूम से, चेयर से या पेन से? डेफिनेटली किससे रिलेटेड होगी? मैक्सिमम आंसर एकदम करेक्ट आ रहे हैं, तो पेन से रिलेटेड इसको कर देते हैं, ठीक है, पेन से रिलेटेड कर देते हैं, ठीक है। तो आई होप आपको यहाँ पर ये सारी चीजें समझ आई होंगी। कुछ और क्वेश्चन करा दूं कि अब आप समझ गए हो? लाइक इसमें कुछ है नहीं, सिर्फ स्टार्टिंग के रिलेशनशिप पता होने चाहिए। जैसे कि एक छोटा सा क्वेश्चन और कर लो, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15 कर लेते हैं टोटल, ठीक है, 13, 14, 15, तीन क्वेश्चन और कवर कर लेते हैं। आपसे बोल रहा है कि जो ऑयल है ये रिलेटेड है ऑयल मैन से, ठीक है, ऑयल मैन से। तो मिल्क किससे रिलेटेड होगा? मिल्क किससे रिलेटेड होगा आपको ये बताना है। ऑप्शंस आपको क्या दे दिए हैं? ए दिया है वाटर से, ठीक है, बी दिया हुआ है ब्लैक स्मिथ से, ठीक है, ब्लैक स्मिथ से, सी आपको दिया हुआ है शूमेकर से और डी आपको दिया हुआ है मिल्क मैन, ठीक है, मिल्क मैन। तो आप मुझे बताइए कि इसका आंसर क्या होगा। डेफिनेटली भाई मिल्क मैन से होगा। जब ऑयल को हम लोग ऑयल मैन बोल रहे हैं तो मिल्क को क्या बोलेंगे? मिल्क को हम लोग मिल्क मैन बोलेंगे। इसी तरीके से ये क्वेश्चन मैं आपसे ऐसे ही पूछती हूँ, ठीक है। अगर कॉबलर जो है, अगर कॉबलर आपका लेदर से रिलेटेड है, ठीक है, ध्यान से समझना, यहाँ पर क्या बोल रही हूं मैं कि अगर कोई कॉबलर जो है वो लेदर से रिलेटेड है, लेदर से रिलेटेड, तो मुझे ये बताइए कि टेलर किससे रिलेटेड होगा। कॉबलर अगर लेदर से रिलेटेड है तो टेलर किससे रिलेटेड होगा? पहला हमने लिख दिया मशीन, दूसरा हमने लिख दिया क्लोथ, तीसरा हमने लिख दिया स्विंग, ठीक है, और डी लिख दिया हमने नन ऑफ द अबव, ताकि हमारे लिए इजी हो जाए। बताओ मुझे क्या करेक्ट होगा, जल्दी से मुझे बताइए। यहां पर कॉबलर जो है वो आपका किससे रिलेटेड है? लेदर से रिलेटेड है, तो टेलर किससे रिलेटेड होगा? अब कॉबलर किससे डील कर रहा है? कॉबलर का काम है शूज से रिलेटेड, मगर वो
किस सब्सटेंस के साथ डील कर रहा है, यहाँ पर सब्सटेंस के साथ रिलेशन है, वो लेदर के साथ डील कर रहा है, तो टेलर किस सब्सटेंस के साथ डील करेगा, डेफिनेटली क्लोथ के साथ डील करेगा, तो यहाँ पर हमारा आंसर क्या हो जाएगा, क्लोथ विल बी आवर फाइनल आंसर, ठीक है। 14 हो गया लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस सेशन, फिर ये हमारा कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, देखो भाई आपसे बोल रहा है कि जो वुड है इट इज रिलेटेड विद द ट्री, वुड हमारा ट्री से रिलेटेड है, ठीक है, तो आप मुझे ये बताइए यहां पर क्या पूछ रहा है, वुड आपका ट्री से रिलेटेड है तो वूल किससे रिलेटेड होगा, वूल इज रिलेटेड टू, ऑप्शन देख लो भाई, ऑप्शन ए आपको दिया हुआ है क्लोथ, ठीक है, ऑप्शन बी आपको यहां पर दिया हुआ है ब्लैंकेट, ब्लैंकेट दिया हुआ है, ऑप्शन सी आपको दिया हुआ है कॉटन, ठीक है, और ऑप्शन डी आपको दिया हुआ है फाइबर। चलो भाई बताओ मुझे, नहीं शीप तो दिया ही नहीं है, शीप तो दिया ही नहीं है, यहां पर खाली आपको क्लोथ ब्लैंकेट ये सारी चीजें दी हुई हैं, ठीक है, ठीक है, एक नन ऑफ दी अबव कर देते हैं, चलो भाई एक नन ऑफ दी अबव रहने देते हैं, तो इससे आसान रहता है आंसर करना। जल्दी से मुझे बताइए कि क्या आंसर होगा, अभी यहां पर रिलेशनशिप को समझने की कोशिश करिए, ट्री को कट करके जब फाइनल प्रोडक्ट निकालते हैं तो हमें क्या मिलता है, वुड मिलता है, ठीक है, ट्री को कट करके जब फाइनल प्रोडक्ट निकालते हैं तो हमें वुड मिलता है, तो क्या चीज ऐसी है जिससे हमें फाइनल प्रोडक्ट वूल मिलता है, जल्दी से मुझे बताइए क्या हो जाएगा फाइनल प्रोडक्ट, शीप से, शीप से हम लोग क्या करेंगे, शीप से हम लोग वूल बनाते हैं, तो ये इसका फाइनल प्रोडक्ट है और ट्री का इसका फाइनल प्रोडक्ट है, तो यहां पर आंसर क्या हो जाएगा, नन ऑफ द अबव, ठीक है, नन ऑफ द अबव हो जाएगा। तो पूरी एनालॉजी टेस्ट हमने कंप्लीट कर ली है, अब इस सेशन में आपको ध्यान कहां पर देना है, आपको सिर्फ और सिर्फ ध्यान देना है रिलेशनशिप जो हमने इनिशियली लिखे हैं, अभी तो आपको क्वेश्चन आसान लग रहे हैं, बट कहीं पर भी अगर आपको ऑथर से रिलेटेड, रिलीजन और बुक से रिलेटेड क्वेश्चन मिल गए और आपको नहीं पता हुआ तो आप आंसर नहीं कर पाओगे, ठीक है। हाँ चलो सारी चीजें क्लियर हो गई भाई, एनी कंफ्यूजन यस और नो में आंसर करिए, देन वी विल गो फॉर दी नेक्स्ट लेक्चर फॉर टुमारो, ठीक है, जल्दी से बताओ मुझे, प्रैक्टिस क्वेश्चन प्रोवाइड कर रही हूं मैं, कल भी मैंने प्रोवाइड करे थे @LamianNaseem पर, तो अगर सारा सेशन समझ आ गया है फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर दो, मेरी वीडियो को बिना लाइक करे बिल्कुल भी मत जाना और बेल आइकन को प्रेस कर देना, इतना बड़ा सा थैंक यू, देखो मैंने आपको बोल दिया है पहले ही करने के लिए, ठीक है, तो ये थैंक यू बाद के लिए, पहले आप ये प्रोसेस कंप्लीट करो, देन थैंक यू फ्रॉम माई साइड। इसी के साथ @LamianNaseem पर आपको प्रैक्टिस क्वेश्चंस मैं दे रही हूँ, किसी ने भी मुझे आंसर नहीं दिए वो बात अलग है, कल मैंने कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस शेयर करे थे, ठीक है, तो @LamianNaseem टेलीग्राम पर सर्च करिए आपको मिल जाएगा, ठीक है। हिमांशु क्या हेल्प चाहिए आपको, कल के 2 क्वेश्चन नहीं बने, ओके भेज दीजिएगा ग्रुप पर ही भेज दीजिएगा, मैं सॉल्व कर दूंगी, कल की PDF नहीं मिली, कल की और आज की PDF मैं आपको अभी शेयर कर दूंगी, ठीक है, जल्दी ही शेयर कर दूंगी, थोड़ा सा अभी शेड्यूल बड़ा हेक्टिक चल रहा है इस वजह से नहीं हो पा रहा है, एंड दिस इज माई कोड Lamia10, ठीक है, ये बताना आपको बहुत ज्यादा जरूरी है, दिस इज माई कोड, यू कैन यूज दिस कोड, आज ही जाओ Unacademy का सब्सक्रिप्शन Lamia10 कोड के साथ यूज करो, फायदा मैं आपको बता देती हूँ क्या क्या है, ठीक है। देखो अगर आप ये कोड यूज करते हो तो आपको 12 मंथ का सब्सक्रिप्शन तो मिल ही रहा है, प्लस अगर आज करते हो तो 3 मंथ का सब्सक्रिप्शन और एक्स्ट्रा मिल जाएगा, प्लस आपको एक व्हाट्सएप ग्रुप मिल जाएगा मेरे एंड से जिसमें आपको डेडिकेटेड डाउट सपोर्ट मिल जाएगा, ठीक है, डेडिकेटेड डाउट सपोर्ट। इससे फायदा आपको पता है क्या है, इससे फायदा ये होगा कि कई बार ऐसा होता है आप खुद से पढ़ रहे हो, कोई भी क्लास नहीं कर रहे हो, कोई भी डाउट सेशन नहीं चल रहा है, स्टिल आपके लिए मैं अवेलेबल होंगी आपके सारे डाउट सॉल्व कराने के लिए, आपको प्रॉपर गाइड करने के लिए, ठीक है, तो ये इतना सपोर्ट आपको मेरे एंड से मिल जाएगा और मैं आपको ये भी गाइड करूंगी कि कैसे क्या चीजें कवर करनी है, लाइक देयर आर नंबर ऑफ फैकल्टीज, नंबर ऑफ सब्जेक्ट्स, तो मैं आपको पूरी गाइडेंस दूंगी कि कैसे कैसे आपको चीजें कवर करनी है, ठीक है भाई, ओके। हाँ लॉकडाउन तो हर जगह चल रहा है, आपके यहाँ भी लगा है, हमारे यहाँ 1 तारीख से लॉकडाउन चल रहा है, लाइक आज हमारा कितना हो गया, 19 डेज हो गए लॉकडाउन से, ठीक है भाई, चलो भाई ओके। तो आई थिंक सारे क्वेश्चंस ऑलमोस्ट मैंने आंसर कर दिए हैं, थैंक यू वेरी मच, कल मिलते हैं 4 बजे, कल का टॉपिक सुन लो क्या है, कल हम लोग पढ़ेंगे डायरेक्शन सेंस टेस्ट,
ठीक है, तो रेडी होके आना। डायरेक्शन सेंस टेस्ट हमारा कवर होगा कल की रीजनिंग की क्लास में, और इसी तरीके से टोटल 20 क्लासेस आपको करनी है। आफ्टर कंप्लीटिंग द 20 क्लास यू विल बी एबल टू सॉल्व ऑल द टाइप ऑफ क्वेश्चन। नोट्स बनाना कंपलसरी है, ठीक है। चलो भाई, ठीक है, थैंक यू वेरी मच।